इब्ने आदम, एक तेरी चाहत है और एक मेरी चाहत है, पर होगा वही जो मेरी चाहत है। बस अगर तूने अपने आप को सुपुर्द कर दिया उसके जो मेरी चाहत है, तो मैं बख्श दूंगा तुझको वो भी जो तेरी चाहत है। पर अगर तूने नाफरमानी की उसकी जो मेरी चाहत है, तो मैं थका दूंगा तुझको उसमें जो तेरी चाहत है। फिर होगा वही जो मेरी चाहत है। बड़ा मजा आएगा। कहानी है उस इब्ने आदम की जो अपनी चाहत में मगन भूल गया खुदा की चाहत को, और फिर थक गया उसमें जो उसकी चाहत थी, और फिर हुआ वही जो खुदा की चाहत थी। मैं बताता हूं तुझे, इंसान क्यों भौंकता? कुत्ता पेट भरने के बावजूद भौंके तो अपने मालिकों की हिफाजत के लिए भौंकता है, और इंसान पेट भरने के बाद भौंके तो अपनी औलाद की हिफाजत के लिए भौंकता है। अगर तुम अपने किरदार की खुदकुशी करना चाहते हो तो पहाड़ की उस चोटी पर चढ़ जाओ जहां तुम समझते हो तुम्हारी औलाद के लिए खुशियों के खजाने मौजूद हैं, और मां सिवाय खुदा के किसी भी चीज को हासिल करने का लालच इंसान को इंसान नहीं रहने देता, बंदर बना देता है, बंदर। तुम जानते हो बंदर का शिकार कैसे किया जाता है? एक छोटे से मुंह वाले बड़े बर्तन में बहुत से चने डाल दिए जाते हैं। बंदर अपना हाथ बर्तन में डालता है और चनों से अपनी मुट्ठी बंद कर लेता, फिर मुट्ठी समेत हाथ बाहर निकालने की कोशिश करता, मुट्ठी नहीं खोलता, पकड़ा जाता। इसी तरह औलाद का सुकून भी एक छोटे से मुंह वाले बड़े बर्तन में होता है। बाप अपना हाथ बर्तन में डालता है और औलाद के सुकून से अपनी मुट्ठी भर लेता है, मुट्ठी नहीं खोलता, पकड़ा जाता है, मुट्ठी क्यों नहीं खोलता? मुट्ठी खोल दे और मेरे क्या दो में खुलियां नहीं खोलते। मुट्ठी नहीं खुलेगी, अगर मुट्ठी खुल गई तो तुम बच जाओगे और हम मर जाएंगे।
जिंदगी एक ऐसी कड़वी शीरीनी है जिसे खुद खाना पड़ता है, बांटी नहीं जा सकती। तो क्यों चला गया? चला नहीं गया, पहुंच गया। दरअसल यहां पहुंचने के लिए ही इंसान एक लंबा और कठिन सफर तय करता है। तो इतनी जल्दी क्यों चला गया? इस सफर का फासला भी क्या अजीब है कि एक तवील वक्त के बाद जब खत्म होने लगता है तो इंसान सोचता है कि अभी तो शुरू हुआ था। हमें किसके सहारे छोड़ गया? हम ये नहीं सोचते कि हम जिसका सहारा ढूंढ रहे हैं वो तो खुद उसके सहारे गुजार गया। अब्दुल्ला, मैंने तो तेरे कांधों पे जाना था। इंसान को ये सफर तय करने के लिए किसी के कंधे की जरूरत नहीं होती। कंधा देने वाले दरअसल चारपाई के नीचे घुसकर अपने आप को महफूज कर रहे होते हैं। अब्दुल्ला, तेरी जगह मैं मर जाती। जिंदगी की कुर्बानी तो सिर्फ खुदा के लिए दी जा सकती है। एक दूसरे के लिए ख्वाहिशात की कुर्बानी देना सीखो। किसी जाने वाले को रोका नहीं जा सकता। बस ये ज़हन में रख कर ये सफर तय करो कि हम भी उसके पीछे जा रहे हैं। और अगर एक लंबी जिंदगी गुजारने के बाद भी यही कहते हो कि तू जल्दी चला गया तो इसका मतलब है कि तुम लोग बेवकूफ जिंदगी गुजार रहे हो। जब कोई इंसान होता है तो तुम्हें उसके होने का एहसास नहीं होता। अरे खसारे का सौदा करने वालों, कंधे से कंधा मिलाकर चलो। जब तक तुम दूसरों के कंधों पर गिर नहीं जाते। तो है जो थाने ले जाओ तोड़ दे तू। मैं कानून पहुंच गया। ओ भाई तू कड़ी झूठियां पीला करी जाती है।
ਮਾਈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕਟੋਰ ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਲਈ ਗੁੱਡੀ ਗੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇਰੀ ਮਾਰੋ ਬਾਰਿਸ਼ ਬੰਦ ਹੋਈ ਵੈਪਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਆਪ ਯਹਾਂ ਕਿਉਂ ਆ ਗਏ ਹੈ ਹਮਨੇ ਕਿਆ ਕੀਆ ਹੈ ਅੱਛਾ ਫਿਕਰਾ ਬੋਲੇ आप यहां क्यों आ गए हमने क्या किया है आप ही चला के गोलियां ते आवे हमने क्या किया है ए गोले तू परा कर तू चला दी कि इधर करदा पुत्र बच्चों की फीस तू दे नहीं सकता तो बंदूक किड़िया खिंच के रहना करदा पुत्र गुस्सा तो मैंने बड़ा होना तेरे तेरे पल्ले सर चाह बिस्कुट मंगाया हूं तेन पता लगे तेन सर सर ए आप तुम्हें चलाई गोलियां प्या कि चलाई गोलियां गोली हां किसने चलाई गोली एडा मैं पागल बना सा अच्छा कानून अन्ना जरूर आ पर बोला नहीं मैं गोली चलाने की आवाज अपने कानों ने सुनी नहीं नहीं आपको गलत फहमी हुई है असि नाम घर चाहे हैं चंगी खेड़े बच्चे ने भी नाल लिया मैं गल नहीं करता नकली मियां दा गल नहीं करता फिर बरात पहुंची है कुड़ी वाले घर ते किसे शरारती दे मुंडे ने घोड़ी दे पैरां च पटाका चलाता फिर घोड़ी ने डर के दौड़ लाती सारी बरात पिछे पिछे ते मैं ते घोड़ी अगे अगे फिर मैं घोड़ी लिया के जंगलां च निकली कई साल मैं जंगलां च खचर अंदर आया मेरी याददाश्त वापस आई ते मैं कहा वापस जाना चाहिए जब मैं वापस आने लगा तो बंदरों ने बच्चे रौला पाता मामू सवेरे जाना मामू सवेरे मामू उत्ते की करे आखिर की धुंद पई किसी बच्चे ने कच्छा पाया किसी नहीं पाया मैं रहा उस रात सवेरे फिर मैं औखला सौखा होकर निकलिया मैं पहुंचा कुड़ी वाले घर
ते कुड़ी दो बच्चों की मां बन चुकी शादी भी हो गई हाँ बच्चे भी हो गए हाँ मगर शादी किसके साथ हुई उस मुंडे ना जिन्हें घोड़ी के पैर पटाखा चलाया हमें आपकी शादी ना होने का बहुत अफसोस है अफसोस तो बड़िया ने किया साथ नहीं किसी ने दिता जी मेरा मतलब जी अल्लाह ने जो मंजूर थी अल्लाह ने काम नहीं जी असी की कर सकते हैं सानू इजाजत दो नारे माफी चाहते हैं असी तुम बिला वजह तंग किया नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं फिर ओ मैं मर गया निकलो तो और पटाखा चलिया तू ही इतने छापे मार दे फिर दो मैं सेठ साहब किधर है अंदर सो रहे हैं फिर कभी सही शुक्र है बना कली हाय बोर हो रहे हैं ना तो मुझसे दोस्ती करें मैं हूँ आपका दोस्त मिस्टर टेलीफोन फोन उठाए और मिलाए 09007801 मैं सुनवाऊंगा आपको मजेदार लतीफे दिलचस्प कहानियाँ और हर कॉल पर कुछ नया बस 09087861 डायल कीजिए मेरे पास है आपकी किस्मत से मुतालिक हर सवाल का जवाब क्यों इम्प्रेस हो गए ना अरे अगर आप मुझे अपना लकी नंबर बताएं तो मैं दूंगा आपको 100 से लेकर 50,000 ना कोई कुरानदाजी ना इंतजार और वो भी एक दिन में दो बार कॉल कीजिए बार बार 09007801 हो गई ना पूरी दूर अंदरों साइकिल चुक लिया कहना साइकिल लै जा
साहब 1800 रुपया लगना इन्हें नवी होने ला जाता बड़ी चंगी आ मैं लला तू क्यों ला एक बारी मेरी भैन ने मेरे को ईद लई थी एक बारी ईद लई थी मेरी भैन ने बड़ी हनेरी बड़े रुख डिगे दरख्त जा पे हनेरिया तूफान बिजली कड़की बड़ा मीह पिया एना बाजारा पानी आ गया भैन मेरी पानी से तरदी तरदी पटिया तेरी ईद बड़ी महंगी पई है कातल मफरूर दुश्मनदार बंदे साडा पैसा पच सकदा कि अच्छा बेटी छोड़ो इन बातों को अब तुम आ गए हो ना तो इस घर से जाना नहीं है इस घर चो हाँ इस घर च साहब की रूह क्या मतलब रूह ना बंदा की मतकल आवे कोई बंदा आवे बंदा हाथी भी पै जाए रूह ना तेरी ना रूहदारी की जाती छलेडा नहीं मान हों छलेडे मैं आगे नेरे देकर बकरी बन के नसते आ औरत चिट्टी औरत बन के हस हुस के फिर गायब हो जाते उन्हें मैं पूरना हो जाए कि चुड़ेलां डर जाए हाँ हाँ हम बंदा की मतका लावे रूह ना रूह 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 ना बंदा की रूहदारी करे भट्टी भट्टी ऐसा कुछ नहीं है छोड़ो इन बातों को और अब तो अब्दुल्ला भी मर चुका है और जो डरने वाली चीज थी वो तो खत्म हो गई अब तो कोई डर ही नहीं और नहीं अल्लाह माफी ना भट्टी नहीं डरना अल्लाह माफी पट्टी नहीं अलहमदुल्ला डर रहा भावे भी वैगना भर के आ रहे कुछ दे के जान गए पट्टी नहीं डर रहा तोवा तोवा मेरे दुश्मन आ रहा नवे बोस्किया ने सूट पाए माया काटन सूट पाए नवे खुसे जीपा ने छाला मारिया पिस्तौल मैं घर को लाया हाँ आने पट्टिया कलमा पढ़ ला अल्लाह अल्लाह के रसूल दा तगड़ा हो जाए तेरी अखीर आ मैं कलमा के पढ़िया मैं खैर आ मैं घेर के गटर को लाने दुश्मन सारे उत्थे सरेड़ पई ही कुदरती मैं गटर के ढक्कन खोल के उत्थे चिकन सुटिया और पट्टिया की करनी है पट्टिया की करनी है पट्टिया की करनी नथ गया दूसरे दिन मिला पट्टिया सानू गंदिया कीता ही ना कहने सानू गंदिया कीता मैं तुसीं भी मैनू महल्ले दी गल्लां ही करन आए हो मैं लाउण लगा हाँ तुसीं मैनू गल्लां करन आए हो मार पट्टी नहीं डरता कि हम पट्टी को सारी दुनिया डर दी बड़े बड़े अमीर लोग कलमा चौक बुलावा नहीं मन दिया आहत बुला लो मैंने कहा साहब जी मैंने उन्हें बुलाया पट्टी साहब पट्टी बहादुर चाह पीनी है मैं कहीं नहीं रोटी तो बाद उन्हें रोटी खुआई नाल चाह पियाई और जाला पिया सी कहना सारिया बोतल पिया वो किसी च इनी बोतल बची सी किसी च इनी किसी मैंने कहा साहब कह पट्टी सारा डाला मकाने मैं जग च बर्फ पाई सारिया बोतल इनी इनी जिनी भी पाग है मुड़ा ठंडा कर गया मैं डीक ला के पी गया फिर मैंने आने 500 रुपया ला लिया डरते ही नहीं कहना मैं डरते ही नहीं देने फिर मैं मलकार साहब को काम दसो को तंग तो नहीं कर रहा कहने जा यार तू ही तंग कर मलक साहब ने मेरी हर जुत्ती पार्टी वेख ली मैंने कहा खुसा लाया गर्म तुसा लाया तो जल दफा हो जा 4 लाख की दुकान देन दे हल बुलाया पट्टी की खरीदी डर को नहीं अब क्या होना हम पट्टी घर जाके बह गया घर में चीका ही निकलिया डर कर कुड़िया पट्टी घर च बैठा तेन कह ना डर अंदर जाओ जाकर कोई मूवी लगा कर देखो मामा एक मूवी लगाई थी वो भी हॉरर निकली केड़ी फिल्म है जी जो हार निकलिया अच्छा चलो जाओ कोई और मूवी लगा कर देखो पट्टिया भी कोई फिल्म ला ला चल मखना ला ला चल सजना ला ला हाँ जिंद जिंद जान लाला दुनिया मरने तुझे लाला हला लाला लाला पट्टी पट्टी तुमने हमारा नमक खाया है किन्ना के खा लिया होना पट्टी ब्लड प्रेशर मिली है पट्टी तूने हमारा नमक खाया मूड़ी नु किन्ना के लगना होना अब हमें तुम्हारी जरूरत है और तुम ये घर छोड़कर जा रहे हो पट्टी दी जरूरत है और क्या
चलो यार अब नहीं जाना, रो ही लग मेरे गलेडू आ गए पैड़ियां खा के, नहीं जाना मेनु पता क्या बत्ती गैस ते पट्टी दी हर घर दी जरूरत है। बत्ती गैस ते पट्टी हर घर दी लोड़ है। मैं नहीं जाना होर दसो तुम पढ़े लिखे लोग जा नहीं जाने गे जेड़ा बी एम ए कर देना डरपोक ही होना। ये फायरिंग कहाँ हो रही है, दरवाजे बंद कर लो, कोठियां भी डर जाने, अंदर से गेट बंद करो, अंदर ना घुस आए डाकू आ जाते हैं, पट्टी बादल अपने घर पे पूरे सारे खोल के सोना। अच्छा? कितनी यारी डाकू आए हैं, पिछले डाकू आए सारा घर खोलिया, मैं सुता हाँ डाकू में उठा के गया पट्टिया वाला फट 500 रुपया सिरे केले बेचेगा। अजराम खान मैं तेन पिछौर लग जाना, कहना मैं नहीं जाना मैं पिंड जाना। तुम मेरा काम करो, चाहे जैसे भी ना उन दोनों को वापस लेकर आओ, मुझे नहीं पता। बस हाँ पता क्या, हाँ। मैंने तुम तीनों से बहुत जरूरी बात करनी है। ये देखो कत्ल भी कर लिया ना, या वो बंदा बदलना या बंदा चुकना या लात तोड़नी है, फिर मेरे कल्ले ना डील करो। वो क्यों, वो दोनों पूछदर जे मुंडे गल बंब हो जांदी है, फिर वो क्या बंब हो जांदी जिन्नू तुसीं पढ़े लिखे लोकां दे लीक आउट हो गई वो शायद ना लड़ा बने वालों जो। अरे भट्टी मैंने तुम तीनों की तनख्वाह भी डबल कर दी है। अल्लाह बड़ा करे त्याडा, अल्लाह बोगा दे 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 रब दे दा काटला मखूल दी दोवा लेंदे जे अल्लाह बहुत ज्यादा डबे रब। भट्टी भट्टी इस घर का ख्याल रखना। अच्छा ओ पट्टी ने सारी हाथी खाने बाल ली दा जा बाहर खाना के सारे पट्टी बैठा। तू ते अंदर बैठे मैं बाहर कि डरन डे पट्टी उठ पाई तो एक पट्टी नहीं सी मान उतरा दूजा भी मथे लगन डे किस्मत वाला बंदा वे दो दो पट्टी वेखन डे जिहो जिहा पट्टी अल्लाह किसी दुश्मन नू एक भी ना बहावे जामत करा ला पिछो लगता किसी बहुकर खोली है ये क्यों इन्हें वाल बधा दिया तेरे देन च की इन्हों नू फ्रूट लगेगा कमलिया मैंने एक माली ने कहा कि पट्टी वाल कटाई ना स्ट्रॉबेरी लगनी स्ट्रॉबेरी वो माली पागल है उन्हें नहीं पता कि चीकड़ी मिट्टी च कख नहीं लगता होता ना मुरादा तेरी वजह तो सानू बार मार पाई और रेड़ी दो अमरूद चुक के तू दौड़े फड़े असी गए मैं उन्होंने बड़ा किया भाई जी कीड़े वाला सी वो कहते ऐसे करता तो गुस्सा अमरूद भी कीड़े वाला सी ते लै भी कीड़ा ही गया रेहड़ी तो अमरूद रेहड़ी तो ही ले देने कभी किसी को सुनिया ही मैं लठे वाली दुकान तो अमरूद ले या तेन किसी कहा हो मैं खरादा तो चार अमरूद बनवाए अमरूद रेहड़ी तो ही ले देने अमरूद रहे रेहड़ी तो और रेहड़ी तो ही मिलते हैं और बांसा वाले बाजारों मिलते हैं ऐडा ऐडा अमरूद उथे बिकन दे मैं रेहड़ी तो लैने लीला फिर सोनिया रेहड़ी वाले की हरी है मैं की कर सकता फिर अमरूद भी रेहड़ी तो मिलने जुराबा भी रेहड़ी तो लाई जाए बलैना भी अभी थले पाई तो बलैना वो भी रेहड़ी तो लाई जाए तुम पढ़े लिखे लोग बलैना भी केले आते वो बनाना होता है किधरे केला गल च पा के लगा फिरता हो कमरे अज ना बहुत वाला केला होता ही मैं रेहड़ी तो अमरूद ला अच्छा अमरूद तोड़िया जो कीड़ा निकला खुशी नाल
आहा बुआ गए। मैं फिर अमरूद तोड़िया। अच्छा फिर कीड़ा निकल आया। जो तू तोड़ेगा बिचो कीड़ा ही निकल। पट्टी एडा नैश ओदे कोल यामा गड्डी सुन के कीड़े नु पहिए नु आ के ओदे ते चढ़िया रिया कि पुछता ना क्या कर मुंह का पत्ती लंबा तुहानू हाथ नहीं पैन दिया देसी पट्टी दे लभ नहीं आई तक नहीं देसी फेर लाभ जाता मरासिया मुझे पार खा जुगत कर खड़िया हूं मैं पट्टिया मैं नहीं जुगत आंदी मैं की करा हूं नशा सारे लाहौर नु मरासी करके आप पट्टी हो गए। निकल गई मैं कली कलोती रही चलो शुक्र इस बहाने गल ते मन्नी ना पट्टी बंदा नहीं हुंदा मेरा मतलब है ना पट्टी उठे गया कोई बंदा ना पट्टी ने मर जाएगम साहब ना मेरी गल हुई बेगम साहब ने मैं हर गल समझा दी तू इसी करके पा कल यार भारा वेला आ गया बुरा टाइम आ गया सानू सात दिन देना कर देना सब साडा फात हो गया नबीला दे पुत्रा मैं सही कह गया देखो अब्दुल्ला तुम भी रूह हो और मैं भी रूह इसलिए झूठ तो तुम बोल नहीं सकते क्या वाकई तुमने भी ये सोचना शुरू कर दिया मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ अब्बा जान मैं यही सोचता था कि मेरे बगैर मेरे बच्चों का क्या बनेगा उस वक्त अब्बा जान मैं पापी जिस्म के अंदर था इसलिए मेरी यही सोच थी कि जो कुछ भी मेरे बच्चों का होना है वो मैंने ही करना है। भाई अब फिर क्या हुआ अब्दुल्ला मैं तो यहाँ तक सोचने लगा अब्बा जान के बच्ची की धूमधाम से शादी बेटे की बहुत बड़ी फैक्ट्री बीवी का इलाज और माँ को हज यानी इन तमाम जरूरियात को पूरा करने के लिए बैंक से कर्ज लूं और हड़प कर जाऊं। अरे बेटा तुम्हारी माँ हज की फरमाइश मुझसे भी बहुत किया करती मगर मैं तो तांगा चलाता था मेरे पास इतने पैसे कहाँ एक दिन एक सवारी तांगे में अपना ट्रंक खोल गई मैंने चाहा कि ट्रंक हड़प कर जाऊं और बीवी की फरमाइश पूरी करूं ओ बेटा मैंने अपनी चाहत को पूरा करने की बजाय खुदा की चाहत को पूरा किया
और ईमानदारी से ट्रंक वापस सवारी तक पहुंचाया। हाय हाय हाय, बस मैंने यही गलती की ना अब्बा जान कि मैंने अपनी और अपने घर वालों की चाहत के मुतालिक सोचना शुरू कर दिया। अरे अब्दुल्ला, फिर क्या हुआ? बस फिर मैं जिस औलाद के लिए सोचता था, फिक्र करता था, वही मेरी मौत का सबब बनी। मेरे बेटे ने मुझे गोली मार दी। हाय हाय हाय, मेरा बेटा, फिर क्या हुआ? मैं जब उस कंधे घुटे हुए तंग नजर बेमहल जिस्म से आजाद हुआ तो मुझे यकीन आया कि वाकई जो इंसान दुनियावी चाहतों की वजह से अपनी जिंदगी को दाहदार नहीं करेगा उसे ऊपर बड़ा मजा आएगा। अब्बा जान, उसे ऊपर बड़ा मजा आएगा। बस कर दे, पति बस कर दे। और तेरी गल्लों ने मेरा कलेजा चीर देता ही हूँ। तू मेरी सूती गहरे जगा देती है पटिया। हाँ, मेरे सीने ना लग के मेरे कपड़े साड़ दे। सड़े या कपड़े, ऐवें तेरे दुनिया पट्टी नालों वख करना चाहुंदी है। ये कपड़े दी क्वालिटी है, तेरे लो वार पूरा होया है। और खान तेरी किस लाए साफ पहुंचूंगी। हाँ। मैं इस घर च चर्च बेचांगा। ये खान हुंदी बेवकूफ। खबरदार है, ये कान नु बेवकूफ किया। दुनिया चार वड़ा कम खाना ने कीते। एक क्रिकेट दा वर्ल्ड कप कौन लेके? इमरान खान। स्क्वाश दा वर्ल्ड कप कौन लेके? जहांगीर खान। ये एटम बम किसने बनाए? डॉक्टर कदीर खान। यार वाकई खाना ने पठाना ने बड़ा बड़ा वड़ा काम कीते। यार पश्तो फिल्मा कौन बनांदा है? जमूर्द खान है यार वो। यार मेरी गल सुन, पट्टी सही कह दिया बेवकूफा। मालका दे औखा वेला आया, उन्होंने साथ देना चाहिए। तनखा डबल होंगी, तू लूमा ला लिया ने। तनखा डबल हो गया, हाथ मिलो। वादा करो, अज तो बाद कटा जिएगी ते कटा मरेगी। कटा जिएगी ते कटा मरेगा। ले कोई ना, हाथ से कर लो ते मुंह कंदो कर लो। तेनु की ऐसी नहीं थी ना। हां ना बोले कोई ना। हां यार, पट्टी दी वजह ना तुसी भी फड़े गए। कान ना लाडो तो, कान तो मिट्टी ना चटी। ना ना बोले कोई ना। इतिहास गोली चलने जिम्मे शाहरुख खान की फिल्म चलती है ना। ओ भाई जी, फिल्म चलाते हो कि पुलिस चो? भाई जी, ओ मैं तो मनियारी में चलिया। कल मनियारी में चलिया, तू बेचे भी तेरे को लैनी की नहीं हो। मैं ना खबर बोले। हाला कट्ठे जीवांगे ते कट्ठे मरांगे। पहले ही कतल ते वादे हो गए हैं। ओ फड़ियो पानी दा गिलास, पट्टी दा फेर कतल पै गए। चादर ना पावे कतल की पाने। ओ भाई जी, केड़ा कतल साडे ते पान रहे हो? ए कौन बोलिया? ए बोलिया भाई जी। ए कौन बोलिया? ए बोलिया भाई जी। मैं तू भाई जी ने बोलिया, खुदा की कसम मैं तू चुप करके खड़ी है। खड़ी है तो खड़ी रखो। मैं ਉਪਰਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਪੱਛ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਜੀ ਸਰ। ਕੌਣ ਬੋਲਿਆ? ਕੌਣ ਬੋਲਿਆ? ਕੀ ਬੋਲਿਆ? ਤੂੰ ਬੋਲਿਓ। ਮੈਂ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਾ ਬੋਲਾਂ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਚੌਂਸੀ ਅੰਬਲਾ ਖਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਹੀ ਕਿਹਾ, ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ। ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ। ਮੂੰਹ ਹੀ ਤੇਰਾ ਏਡਾ ਓਵਨ ਜਿੱਡਾ ਮੂੰਹ, ਓਵਨ ਜਿੱਡਾ। ਭਾਈ ਜੀ, ਹੁਣ ਰਿਵਾਜ ਹੀ ਹੋਵਣ ਦਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਵਕੂਫੀ। ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਵੀ ਕੋਲੇ ਵਾਲੀ ਗੀਠੀ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਵਾਕਈ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੱਤਾਂ ਲੜੀਆਂ ਤੋੜ। ਬੋਲੇ ਕੋਈ ਨਾ। ਕੋਈ ਨੀ, ਲੱਤਾਂ ਤੋੜੇਗਾ ਉੱਡਾ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ।
ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪੱਟੀ ਤੂੰ ਐਨਕ ਲਾਈਆਂ ਅੱਗੋਂ ਕਲਰਕ ਲੱਗਣਾ ਪਿੱਛੋਂ ਮਲੰਗ ਲੱਗਣਾ ਕਤਲ ਪੱਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੀ ਕੋਈ ਨੀ ਏਡੇ ਜ਼ਹੀਨ ਪਠਾਨ ਉਹ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਚੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਰੇਹੜੀ ਡੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਉੱਤੋਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਛੋਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਰੇਹੜੀ ਐਂਜ ਕੱਢਦੇ ਜਿਵੇਂ ਨਿਊ ਖਾਲੇ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲਣ ਫਿਰ ਚਲਾਣਾ ਯਾਰ ਭਾਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਰੇੜੀ ਤੇ ਸਜਦਾ ਸੂਬੀ ਦਾ ਜੀਰੋ ਚਾਰ ਦਿਨ ਅੱਛਾ ਜੀ ਬੜਾ ਸਖਤ ਅਫਸਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਣੇ ਚ ਮੁਜਰਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਥਾਣੇ ਚੋਂ ਭੱਜਣਾ ਭੱਜ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਭੱਜੋ ਤੇ ਤੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋਇਆ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਾਰੀ ਜੀ ਸਰ ਤਾਰੀ ਜੀ ਸਰ ਉਹ ਮਦਈ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸਾ ਮਦਈ ਕਿਤੇ ਹੀ ਹਾਏ ਅੱਲਾ ਕਈ ਹਮਲੇ ਨ ਹੋ ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਕਿਤਾਬ ਇਹੀ ਕਤਲ ਹੋਏ ਇਹੀ ਕਾਤਿਲ ਹੈ ਇਹਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਜੀਏ ਸਾਰੇ ਲਾ ਸਾ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 400 ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਆਈ ਆ ਸਾਰੇ ਲਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੋਈ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਲਾ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸੂਟ ਬੜਾ ਕੀਤਾ ਜੇ ਮਾਰ ਜਨਾਬ ਵੇਖੋ ਪਿੰਡੀ ਵਾਲੇ ਕਾਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਉਤੋਂ ਨੱਪਣ ਦੇ ਪਿੰਡੀ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਵਰਦੀ ਵਾਲੇ ਆਏ ਵਰਦੀ ਵਾਲੇ ਅੱਛਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਜਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਠਾਨ ਸਰਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਖੁੱਲੇ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਣੇ ਕੋਈ ਨਾ ਖਬਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਦੱਸੋ ਸਹੀ ਰਾਹ ਦੱਸੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੱਸੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਦਰ ਬੰਦਾ ਨਾ ਨਾਮਵਰ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਬੁਲਾਈ ਦੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਸੌ ਕੰਮ ਪੈ ਸਕਦਾ ਕਮਲਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਪੈਣਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਖੋਤੀ ਰੇੜੀ ਤੇ ਡੈਕ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕੰਮ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤੂੰ ਥਾਣੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਡੈਕ ਭਾਵੇਂ ਖੋਤੀ ਰੇੜੀ ਤੇ ਰਾਗ ਭਾਵੇਂ ਚੁਕਾ ਕੇ ਲਾਇਆ ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਸਲੇ ਮੈਂ ਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀ ਪੈਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕੀ ਪੈਣਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਚੋਂ ਵੀ 20-25 ਬੰਦੇ ਆਏ ਹੁਣ ਮਹਿਮਾਨ ਹਲਾ ਬੋਤਲਾਂ ਦਾ ਡਾਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਚਾਬੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੋਲ ਲਾਣੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਪੱਟੀ ਦੰਨਾਂ ਨਾਲ ਖੋਲ ਖੋਲ ਕੇ ਪਰੌਣੇ ਲੱਗੇ ਰੱਖੇ ਖੜਾ ਖੜਾ ਠੱਕ ਫਿਰ ਬਖਣਾ ਵਾ ਵੀ ਵਾ ਪੱਟੀਆਂ ਬੜੇ ਕੰਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਪੱਟੀ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਖੋਲਣੀ ਆ ਉਹ ਪੀਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਹਾਏ ਬੋਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ ਤੋ ਮੁਝਸੇ ਦੋਸਤੀ ਕਰੇ ਮੈਂ ਹੂੰ ਆਪਕਾ ਦੋਸਤ ਮਿਸਟਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਫੋਨ ਉਠਾਏ ਔਰ ਮਿਲਾਏ 09007861 ਮੈਂ ਸੁਣਵਾਉਂਗਾ ਆਪਕੋ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਲਤੀਫੇ ਦਿਲਚਸਪ ਕਹਾਣੀਆਂ ਔਰ ਹਰ ਕਾਲ ਪਰ ਕੁਛ ਨਯਾ ਬਸ 09007861 ਡਾਇਲ ਕੀਜੀਏ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹੈ ਆਪਕੀ ਕਿਸਮਤ ਸੇ ਮੁਤਾਲਿਕ ਹਰ ਸਵਾਲ ਕਾ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਅਰੇ ਅਗਰ ਆਪ ਮੁਝੇ ਅਪਨਾ ਲੱਕੀ ਨੰਬਰ ਬਤਾਏ
तो मैं दूंगा आपको 100 से लेकर 50 हजार, ना कोई कुरान बाजी, ना इंतजार, और वो भी एक दिन में 2 बार। कॉल कीजिए बार बार 09007801। हो गई ना पूरी दूध। नलके का बोर कर मुझे डर लग रहा है। वो तेरे को डरंडी गुंगिया को गां खा लिया, तेरे को डरंडी गुंगा ही मेनू गाला कर सकता जे चंगा बड़ा बोल सकता मेरे सामने कू सकता। तू पाई है मर्दी चौधरी, तेन पट्टी का भार को नहीं। वो की भार तेरा? इंस्पेक्टर साहब मुझे तहफ़ुज़ चाहिए। तहफ़ुज़ चाहिए? तेनू तेनू हम पंजा मरने का फैन ले दवा? तहफ़ुज़ चाहिए? ये गल तो पुलिस वाले कहनी चाहिए कि सानू तहफ़ुज़ चाहिए। तेनू तहफ़ुज़ दे दिया मैनू मुअत्तल करवाई। छोटे कास्टिक माया दे चौड़ी इस्त्री तत्ती तत्ती फेरी होगा तेरी वर्दी ते तेनू कड़ाके वाली वर्दी पाई होगा कड़ कड़ कर दी बड़े बड़े अफसर भी कह मानो साहब कयूम रशीद वर्गे DSP के एडी कड़के नाल कितों पाई है वर्दी तो आई है। मैं तेनू गिरफ्तार करना है, तू इतने मजमा ला लिया। ਪੱਟੀ ਨੇ ਕਦੀ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਘੜੀ ਖੋਈ ਹੈ ਨੇਰੇ ਚ। ਤੇ ਪੱਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਆ ਫਿਰ? ਹਾਂ ਐਡਾ ਸਾਰਾ ਅਫਸਰ ਦੇ ਹਾਂ 200 ਰੁਪਈਆ ਪੱਟੀਆਂ ਜਾਂ ਕੜਾਈਆਂ ਖਾ ਜਾ ਕੇ 200 ਤੈਨੂੰ ਕਾਹ ਦਵਾਂ? ਮਰਚ ਨੇ ਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਡਾ ਰਾ ਅਫਸਰ ਕਾਹਦਾ ਕਾਹਦਾ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦਾ ਲੈਂਦੇ ਜੇ? ਆਵਨ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਪੈ ਗਿਆ ਜਿਸ ਲੈ ਜਾ ਇਹਨੂੰ ਧੂਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਪਿਆ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਤਲ ਕੀਤਾ? तरक्की हो जानी फुल वज जानी पट्टी फड़ लिया। बड़े किराने रिकॉर्ड की गल है, चौधरी पट्टी अपनी हिरासत च रख। ये शक्ल मैं लगता मारने वाला बंदा ही। जब मैं मारिया तेन यार
लम्मे पहना के गोली खा के डिगेगा। गोली खा के मैं दहशत करदा। दहशत गर्द बड़ा तेरा नकली बंब जिहड़ा मूंह है। बंदे फड़दा फिरने ट्रैफिक च ड्यूटी लो आ जेड़ा कुत्ता गड्डी अगे आवे उहदा चलान कट पता भी लगे ड्यूटियां होण डईआं। दहशतगर्द खोतिआं नाल धौड़ा लाउण वालिआ। मैं कहना ओए अफसर ने जे सिवल लैण दा धोबी जे। दहशतगर्द चौलां दी पिछ परात च पा के पीण वालिआ। दस कदी कच्चे छोले मूंह च पाइना ते भुज भुज के आप ही अंदर जाई जांदे नी। कदी बंब वेखी? आहो बताऊं वर्गा हुंदा। चलदा वेखे कदी बंब चलदा वेखी? नहीं बताऊं चालू पैंदे वेखे। ये तो तेन लम्मे पाला तेरे मुंह देने आलू पैने तेन पता लगना। कोई गल यही बेच बताऊं पाला। इंस्पेक्टर साहब आप तफ्तीश कीजिए ना, आप तो हंडी पका रहे हैं। पकाओ नहीं रहे ना, खाने नहीं रहे ना। पुलिस का महकमा के अग भजा महकमा इन्हें की किया धोती बना मना वर्दी मैं चलिया पिंडी वापस। पिंडिया ले आजो भाई, पिंडिया ले आजो, अंदर आजो बीबी जी, अंदर आजो। ऐ कलू जो है जी। अरे इंस्पेक्टर साहब आप आए में हमें पता ही नहीं चला। तानू होश ही नहीं होती, तानू पता नहीं। मेरा मतलब है कि अब क्या हो गया बीबी जी? मैं बट्टी ते जुगनू, असी तीनों ही ते कलोते हैं। मैं ही ते कलू ता बट्टी ही ते जुगनू ही ते। असी तीनों ने एत मिलाए तो वादा कीते कि अज तो बाद कटा जीगी ते कटा मरेगी। उस तो बाद वड्डा साहब अंदर आए, इन्हें अंदर आ दिखे क्या जी देन दिया गोजे चलन दिया जिने शाहरुख दा फिल्म चल दे। अब तुझे कर लो मुंह का दल कर लो। असी तीनों ने मुंह का दल कर ले। मैं ही ते कलू ता बट्टी ही ते जुगनू ही ते। और तो बाद दो आपा जोड़ा रहते थे इन्हें तो टूटे मार के दले दो। कले कले मत जाते तो पीछे जा। और जो बाबा ले मत जाते पीछे। और जो बाबा पति का तफ्तीश हुआ, चुपड़े का तफ्तीश हुआ। और तो बाद इसमें तेरे क्या मनो की चली, मैं पीटी चलिया। एक गाल मेरे कटी पड़ी में सीधा ही आ गया। पीटी आ ले आ जो भाई, पीटी आ ले आ जो। कानू ले के मैं ही आ गया, मैं कि चुप करके कड़ी है। लाजी बेगम साहब आप पहले दिन दिया चल गया तुझे बहेलिया। अगर स्टोरी तुम मैं सुनाऊंगा क्या मतलब? अरे वो पागल भी कानून को वेला लिया भी भजा फिरे। अब बीवी सानू इथे लेके आई है। अरे नायला क्या हो गया तुम्हें? इंस्पेक्टर साहब मैं रूह के खौफ से इधर उधर भाग रही थी। ये तो उधर पसने तुम थाना रानी सी हो जी। अरे संत से संत से। हां मैं यही सोच रही थी कि अचानक रूह मेरे सामने आ गई और मैं थरथर कांपना शुरू हो गई। मैंने गल्ला बणिया थरथर कांपना शुरू हो गई। मैं कई काम दे मुझे मन कर लग गया। कोई थरथर दी बाई नहीं होंदी। फिर मैं घर से बाहर निकल गई। जब मैं घर से बाहर निकली तो मुझे यहां से कोई चलने की आवाज आई। यहां से मैं इतनी घबरा चुकी थी मैं भाग के सीधी आपके पास थाने आ गई। सारी गल्ला जवा गल पसंद जी। भाग के आपके पास थाने आ गई जी। नायला क्या हो गया तुम्हें? मोहल्ले में किसी बच्चे ने पटाखा चलाया और तुम डर गई। मैंने तो तुम्हारी तनख्वाह भी डबल कर दी है। सच? हाँ। हाय अल्लाह कहीं हम लेट ना हो जाएं।
ਲਓ ਜੀ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ ਲੈ ਜੀ ਇਤਨੀ ਸੀ ਤਾਂ ਬਾਤ ਕੀ ਬਾਤ ਸੀ ਮਾਮਾ ਬੈਠ ਕੇ ਨੀਚੇ ਕੋਈ ਹੈ पिछे गया कुत्ता अगले पैर चुक के अंग्रेजी अखबार पढ़न दिया अखबार जो कुत्ता एनक ला सकता तो अखबार नहीं पढ़ सकता यार बटी इतने आया मैं दस के कुत्ता अखबार पढ़ सकता है मोहम्मद रसूल अल्लाह मैं पट्टी नहीं बिल्कुल ओए ओए ना जेदा दस मेनू मरी मां मुख्ताना दी कसम है मैं दूर दूर तक पट्टी जे मैं बंद हमें गावे ना कह बैठा के मैं पट्टियां बंदा मां नहीं रख लेना थोड़ी दुनिया जाली राजपूत बनी है मेरे ने गिरा सबर कर बटी सबर कर यार बटी ये दस तू बेगम साहब ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਤਨਖਾਹ ਵੱਧ ਗਿਆ ਓਏ ਹੁਣ ਤਨਖਾਹ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਈ ਬੱਤੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਸਾਉ ਰੱਖਿਆ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬ ਅੱਛਾ ਬੱਤੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਓ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਅਕੇਲੇ ਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਬੇਲੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਵਧਾਓ ਓਏ ਬੱਤੀ ਬੱਤੀ ਆ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਯਾਰ ਹੀ ਬਾਤ ਓਏ ਚਾਦਰ ਕੋਲ ਕਲਾ ਬੱਤੀ ਲਾਜ ਬੱਤੀ ਲਾਜ लाश मैनू गूर के तक नहीं है वो लाश दे मुंह ते कपड़ा पट्टी वेखण दे आई ओ
ਸੇਠ ਸਾਹਿਬ ਫੂਕਾ ਹੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੇ ਚੁੱਲਾ। ਸੇਠ ਸਾਹਿਬ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਫਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟੁੱਥਪੁਰਛ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੋਲ ਲੈ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਆਕੜ ਗਏ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਜੁਗਨੀ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਯਾਰ ਕੀ ਉਹ ਭੱਠੀ ਉਹ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਲੇ ਚ ਖੁਸਰਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਰੰਗ ਗੋਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਰੀਮ ਲਾਈ ਸੀ। ਕੀ ਮਤਲਬ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਛੁਰੀ ਮਾਰੀ ਖੁਸਰਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮਖਰੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਭੱਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਭੱਟੀ ਭੱਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਮਾਨੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਰਦੇ ਵੇਖੇ ਹੁਣ ਕਤਲ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਬਹਾਦਰੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਖੁਸਰਾ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰਦਾ। ਪਿਛੋਰ ਦੌੜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੇ ਬੂਹਾ ਟੱਪਿਆ ਨੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਿਛੋਰ ਦੌੜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਦੂਰ ਦੀ ਫੁੱਫੀ ਆ, ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੀ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂ ਭਾਈ? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਫੁੱਫੀ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਦੀ, ਕਿੱਡੀ ਚਲਾਕ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਲਾਸ਼ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਯਾਰ, ਨਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਬੂਹੇ ਚੋਂ ਤੂੰ ਪਰਾਂ ਕਰ ਲੋ ਭਜਨ, ਸ਼ਕਲ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ, ਲਾਸ਼ ਕੀ ਆਖੋ ਮੈਂ ਪੋਟੂ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ। ਯਾਰ ਝੋਕੇ ਨੂੰ ਇਧਰ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਲਾਸ਼ ਦਿਆ ਪੁੱਤਰਾ, ਤੁਮ ਤਿੰਨੋਂ ਕਹਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਸੇਠ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਭੱਟੀ ਦੀ ਪੁੱਪੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਭੱਟੀ ਤੁਮ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਗੈਂਗ ਜਾਣ ਜਾਂਦਾ, ਭੱਟੀ ਆਪਣੇ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਭੱਟੀ ਤੋਂ ਇਸ ਲਾਸ਼ ਕੋ ਕੌਣ ਠਿਕਾਣੇ ਲਗਾਏਗਾ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਆ। ਦੇਖੋ ਭੱਟੀ, ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਕੀ ਲਾਸ਼ ਕਾ ਵੀ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾ, ਇਸਸੇ ਪਹਿਲੇ ਖਾਨ ਕੇ ਲੋਗੋ ਕੋ ਪਤਾ ਚਲੇ ਤੋ ਜੁਗਨੂੰ ਯਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਆਏਗੀ, ਔਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਅਗਰ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਘਰ ਮੇ ਆਈ ਤੋ ਘਰ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮੋ ਸੇ ਵੀ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਤਾਂ ਹੋਗੀ, ਫਿਰ ਤੁਮ ਤਿੰਨੋਂ ਜਹਾਂ ਵੀ ਹੋਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਤੁਮੇ ਢੂੰਢ ਨਿਕਾਲੇਗੀ, ਔਰ ਭੱਟੀ ਤੁਮੇ ਤਾਂ ਹੋਗੀ ਸਿੱਧੀ ਫਾਂਸੀ ਯੂੰ, ਔਰ ਖਾਨ ਤੁਮੇ ਤੁਮੇ ਤਾਂ ਹੋਗੀ ਉਮਰ ਕੈਦ। ਹਰ ਜੁਗਨੂ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਤੇ ਵਾਦਾ ਮਾਫ ਗੁਆ ਬਣ ਜਾਗਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਫਾਂਸੀ ਲਵਾਉਣਾ, ਮੇਰੀ ਗਰਦਨ ਲੰਮੀ ਹੋ ਕੇ ਪਤਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਮੂੰਹ ਪਤਲੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਖਲੋਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਮ ਤਿੰਨੋਂ ਨੇ ਇਸ ਲਾਸ਼ ਕੋ ਠਿਕਾਣੇ ਲਗਾਣੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀ ਤਾਂ ਤੁਮ ਜਾਓਗੇ ਇੱਧਰ, ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਕਾਤਿਲ ਭੱਟੀ ਆ। ਥੋੜੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਭੱਟੀ ਦੇ ਫੇਰ ਕਤਲ ਚਾਹੀਏ। ਤੂੰ ਦੱਸੋ ਯਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪਟਾਕਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਡਰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਨੀ ਚੱਲ ਗਈ। ਬਹਰਾਲ ਜੁਗਨੀ ਪਤੀ ਨੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਮੁਕਾਇਆ ਯਾਰ, ਪਤੀ ਖੂਬ ਲਾਸ਼ ਦਫਨਾਈ ਹੋ। ਓ ਮਾਂ ਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਕਈ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਨੇਰੇ ਦੇ ਕੱਲੇ ਨੇ ਨੱਪ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਦੇ, ਪਤੀ ਐਡਾ ਭਾਗ ਰਿਹਾ। ਓ ਮਾਨਾ ਮੈਂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਆਖਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਕੋਲ ਕਹੀਏ ਨਾ ਬੇਲ ਚਾ, ਤੋਇਆ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾ ਯਾਰ? ਪਤੀ ਨੇ ਜਿੱਡੀ ਤੇਜ਼ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਤੋਇਆ ਕੱਢਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਖਰਗੋਸ਼ ਦੀ ਸੱਕੀ ਫੁੱਫੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਤੇਰਾ ਵੱਡਾ ਮੂੰਹ ਬੜਾ ਕੰਮ ਆਇਆ, ਮਿੱਟੀ ਭਰ ਭਰ ਬਾਹਰ ਸੁਣੀ। ਬਹਰਾਲ ਪਤੀ ਕੈਸਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਮਰਦੇ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਨਸਾਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਭੱਟੀ ਤੁਮ ਲੋਗ ਆ ਗਏ, ਹੁਣੇ ਆਏ ਜੀ ਹੁਣੇ ਆਏ। ਭੱਟੀ ਕਿਸੇ ਕੋ ਪਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ? ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਹੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਭੱਟੀ ਨੂੰ ਫੜੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਅਸੀਂ ਲਾਸ਼ ਦਫਨਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਸਰ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਡਰ ਕੇ ਚੀਕ ਮਾਰ ਕੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੌੜ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੌੜ ਲਾ। ਬੜਾ ਦੂਰ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮਖਰੂਰੀ ਬੜੀ ਕੱਟੀ, ਕਤਲ ਕਰਨ ਨੱਚਣਾ। ਆਹੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਭੱਟੀ ਕਬਰਸਤਾਨ ਚ ਵੜਿਆ, ਮੁਰਦੇ ਖਲੋ ਗਏ ਉਹ ਭਰਾ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਮੁਰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਈ ਜਨ ਜੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਫਿਰਨ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੁਰਦਾ ਤੇ ਸਿਗਰਟ ਭਰ ਕੇ ਭੱਟੀ ਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਭੱਟੀ ਸੂਟਾਂ ਤੇ ਲਾ ਆਇਆ। ਬੜਾ ਮਹੀਨੇ ਮਖਰੂਰੀ ਕੱਟੀ ਆ, ਮੈਂ ਮੁਰਗੇ ਨੇ ਕੰਮ ਬੜੇ ਕੀਤੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਆ ਬਾਗਰੂਆਂ ਚੁੜੇਲਾ ਛਲੇਡੇ ਡੈਣਾ ਮੁਰਗੇ ਨੂੰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੰਗ। ਅੱਛਾ, 200 ਮੁਰਗਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੱਟੀਆ, ਤੇਰੀ ਬਾਗਰੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ?
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਲਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹਵਾਈ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਚੁੜੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹਵਾਈ ਸ਼ਹਿਰ, ਮੈਂ ਫੈਲ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਾਲੇ ਮੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇਲਮ ਦੱਸੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈਣ ਚ ਖਿਲਾਰ ਲਈਆਂ। ਅੱਛਾ, ਡਰ ਕੇ ਨਾ ਸਿਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਪਿੱਪਲੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਕੋਈ ਬੋਰਡ ਤੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਡਰਾਇਆ ਯਾਰ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਫ ਚ ਆਏਗਾ। ਇੱਕ ਚੁੜੇਲ ਤੇ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਵੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਮੇਰੇ ਮੰਗੇਤਰ ਨਾਲ ਰਲਦੀ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਮੁਰਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਗਾਲੀ ਬਾਬੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵੇਚਦਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਹਬੀਬ, ਬੈਂਕ ਦੇ ਲਾਕਰ ਚ ਰੱਖ ਆਏ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੋ ਮਿਲਣ ਗਈਆਂ। ਚਲੋ, ਪਾਪਾ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕਫਨ ਨੂੰ ਬਟਨ ਲਾਣੇ ਸਨ, ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਆਏ, ਕਬਰ ਚ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਵੀ ਰੱਖ ਆਏ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਵੀ ਰੱਖ ਆਏ। ਬੀਬੀ ਜੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੇਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਕਬਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਗੁਲਕਾਨ ਚੌਕੀਦਾਰ ਦੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਸੜਕ ਤੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ। ਉਹਦੇ ਵੀ ਚੌਕੀਦਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਮੁਝੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪ ਕੀ ਜਾਦੋ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੁੱਫੋ ਦੇ ਘਰ ਪਿੰਡੀ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂ। ਪਿੰਡੀ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾ ਭਾਈ, ਪਿੰਡੀ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾ। ਉਹਨੇ ਜੁੱਤੀ ਤੇ ਹੀ ਕੋਸਤਾਨ ਲਹਾਇਆ। ਅਰੇ ਬੇਟਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਕਰੋ, ਜਲਦੀ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਿਓ, ਅਭੀ ਅਹਿਸਾਨ ਆਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਕਹੂੰਗੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੁਗਨੋ ਇੱਕ ਗਿਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੋ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਹੋ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੋਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੱਟੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਭੈਣ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਜਿਉਂ ਜੀ ਅੱਜ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਹੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਸ਼ਗੀਰ ਜੀ। ਬਾ 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 ਬਾ, ਬੱਟੀ ਸੱਪ, ਬੱਟੀ ਸੱਪ, ਬੱਟੀ ਸੱਪ, ਠਾ ਠਾ ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ। ਬੱਟੀ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ, ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ, ਬੱਟੀ ਦਾ ਫੇਰ ਕਦਰ ਪਾ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਵਿਆਹ ਬੈਠਾ ਉੱਠ ਬਾਬੀ, ਹਲਕੀ ਤਾਲੀ, ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰਾ। ਬੱਟੀ ਉੱਠ, ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਆ ਗਏ। ਪੜਵੋ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਕੱਲਾ ਭੱਟੀ ਤੇ ਲੱਗੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਭੱਟੀ ਨੂੰ ਖੜਨ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੈਨੂੰ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉੱਪਰ ਪਤਾ ਹੱਥ ਕਰ ਲਓ ਉੱਚੇ, ਤੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਬੜੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਅਫਸਰ ਦੀ ਮੰਮੀ ਡਰ ਗਈ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਰੱਖ ਘੜੀ ਮੁੜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਨਾ ਲਾਈ ਆਉਣੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਬੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆ। ਹਾਂਡੀ ਪਕਾਉਣੀ ਸੀ ਘਰ, ਦੇ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਦਾਲ ਚੁਗਣ ਗਿਆ। ਕਬਰਸਤਾਨ ਚ ਦਾਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਯੂਟੀਲਿਟੀ ਸਟੋਰ ਖੋਲਿਆ ਨਾ। ਹਾਂ ਬਈ, ਤੂੰ ਕਿਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨੀ ਪਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਤਨਾ ਇਲਮ ਯਾਰ, ਮਾਣਾ ਹਲਾ ਬਾਬੀ,
ਤੀਜਾ ਕਿੱਥੇ ਜੀ? ਜੀ ਜਨਾਬ ਮਗਰੂ ਰਹੇ ਮਾਰਾ ਪੁਲਿਸ ਆਸ ਪਾਸ ਮਾਰਾ ਮਗਰੂ ਆਇਓ ਗੋਈ ਚੱਲ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇ ਮਗਰੂ ਆਇਓ ਮਗਰੂ ਰਹੇ ਕਦੇ ਆਇਓ ਗੋਈ ਚੱਲ ਜੀ ਗੋਈ ਚੱਲ ਗੋਈ ਚੱਲ ਤੂੰ ਵੀ ਲਵਾ ਬੈਂਡ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗੋਲੀ ਵੱਜ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਤੂੰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਹਾਂ ਚਲਾਉਣੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਆ ਮਾਰਾ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਮਫਰੂਰਾ ਕੀ ਆ ਮਫਰੂਰਾ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮਫਰੂਰਾ ਭੱਜੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇ ਮੈਂ ਦਸ ਤੱਕ ਗਿਣਾਂਗਾ ਜੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਤੂੰ ਆਪ ਹੋਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮਫਰੂਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇ ਮੈਂ ਦਸ ਤੱਕ ਗਿਣਾਂਗਾ ਦਸ ਪਹਿਲੇ ਆ ਤੀ ਦਸ ਨੌ ਅੱਠ ਅੱਠ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੌ ਹਾਂ ਦਸ ਨੌ ਅੱਠ ਗੋਲੀ ਕਿਉਂ ਚਲਾਈ ਤੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਨੀ ਚਲਾਣੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਖੇਤ ਮਿੱਟੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਤੂੰ ਰੈਫਰੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੋੜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਵਰਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਗੇਮ ਵੇਚਦੇ ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਖਿਲਾੜੀ ਆ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਲੇਅਰ ਆ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਾਂਦਰ ਕਿਲੇ ਦਾ ਇਹ ਭਾਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਛਿੱਤਰ ਬੜਾ ਵੱਜਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਖ ਚ ਬੜਾ ਖੇਡਿਆ ਵਾ ਬਾਂਦਰ ਕਿਲਾ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਬਾਂਦਰ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਛੱਡਦਾ ਮਫਰੂਰਾ ਗਿਣਤੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਫਾਇਰ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀ ਹੂੰ ਨਹੀਂ ਮਫਰੂਰਾ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀ ਹੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀ ਮਫਰੂਰਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀ ਮਫਰੂਰਾ ਓਏ ਆ ਗਏ ਯਾਰ ਯਾਰ ਤੂੰ ਗੋਲੀ ਵੀ ਉਂਝ ਚਲਾਉਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਗੋਦੀ ਰੇੜੀ ਚਲਾਈ ਦੀ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ ਆਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਸਕਿਆ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੂੰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹਲਾ ਬਈ ਤੂੰ ਕੀ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸਾਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਨਾਬ ਮੇਰਾ ਨਾਨਾ ਬੂਟੀ ਪੀਂਦਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਬਰਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਫਰੈਸ਼ ਬੂਟੀ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਇੱਕ ਦੇ ਵੀ ਆਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚਾਚੇ ਦੀ ਕਬਰ ਉੱਚੀ ਕਰਨ ਗਿਆ ਆਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਚੋਂ ਦਾਲ ਲੈਣ ਗਿਆ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡੋ ਜਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਕੋਤਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਆਲਾ ਪੱਟੀਆਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਤੰਗ ਪੈ ਗਈ ਆਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਾਲ ਲੈਣ ਗਿਆ ਕਬਰਸਤਾਨ ਚੋਂ ਆਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾਨੇ ਵਾਸਤੇ ਬੂਟੀ ਲੈਣ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਈ ਦੋ ਘੜੀਆਂ ਭੱਟੀ ਦੀ ਅੱਖ ਕੀ ਲੱਗੀ ਆ ਘਰ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੀ ਗਰਮ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਫੋਨ ਦੀ ਬਾਤ ਫੋਨ ਦੀ ਬੈਲ ਹੀ ਆਈ ਹੋਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਦੌੜ ਲੱਗ ਗਈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੰਜ ਹੀ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਡਰ ਕੇ ਦੌੜਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮੁੱਛਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਤੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਗਾਲੜ ਖਾਣ ਡੇ ਮੈਂ ਡਰ ਕੇ ਥਾਣੇ ਦੌੜ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਡਰ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਆ ਬੈਠਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਐਸੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਿਹਾਇਤ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਹੈ ਔਰ ਹਮਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਨਿਹਾਇਤ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ
ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 2:30 ਵਜੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਚ ਕੀ ਲਾਣਗੇ ਉਹ 2:30 ਵਜੇ ਕੀ ਹੈ ਕਬਰਸਤਾਨ ਕਿਹੜਾ 8 ਤੋਂ 4 ਹੁੰਦਾ ਐ ਸੋਟੀ ਤੇ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ ਬਾਈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਕਾਲੀ आपने क्यों भेजा 2:30 बजे रात को इतनी गए क्यों इंस्पेक्टर साहब मेरी बच्ची जो है ना वो बहुत डरती है तो एक बुजुर्ग है उन्होंने कहा था कि सदका कब्रिस्तान में फेंको तो मैंने इनको सदका कब्रिस्तान में फेंकने के लिए भेजा हाँ क्लास लगी थी हाँ अब देखे ना अब तुसी गल दस्या ना तो सारी मेरी गल समझ आई है फिर निकलो इतों रात को 2:30 बजे ठहरा सानू आवाजार किया चौके मार गड़ी हेलो कौन सुहेल मैनू समझ आन दई है जी मैं भी जवान आदमी है जनाब अब्दुल्ला मर चुका है मैनू पता है जनाब कैंसी खाली हुई हो चुकी हूं मैं केड़ा सिलाई मशीन वंडना वा
बात समझ रहे हो ना? समझ रही है, शर्मान रहे हैं। इस दौर में जिस औरत के सर से उसके शौहर का साया उठ जाए, वो इंज तो नहीं कर दी जनाब। जुगनू, अब मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेली रह गई हूँ। तो फिर की है, तू ही केड़ा कैरम बोर्ड खेडन रहे हो? ये दुनिया वाले बहुत सालिम हैं। सही गल है, तुम हमारे नमकखार हो, तुम पर हमारा और इस घर का पूरा हक है। ओ जनाब, केड़ा हक जतान रहे हो, दसो तो सही। और आज वो हक अदा करने का वक्त आ गया है। ओ जनाब, गल ते दसो, लालो बात ते की करन दे। जिगनू, मैं ना मैं दूसरी शादी करना चाहती हूँ। जी हाँ, ये की कह रहे हो? हाँ जुगनू, हाँ जुगनू, मैंने कभी भी तुम्हें अपना मुलाजिम नहीं समझा। अच्छा जी, हमेशा हमेशा अपना बेटा समझा है। बीबी, तुम भी गलत ही समझे हो, मैं भी गलत ही समझिया। और जनाब, मैं भी हमेशा तुम अपनी मां ही समझी है जी। बस तो फिर जुगनू, आज अपनी मां के हाथ पी ले। ये की कर रहे हो? हाँ जुगनू, ये हाथ पीले कर दो। मैंने तो आधे लोग का भी समझ नहीं आती। वो साफ और इशारे हो कहते सर, मेरी जगह एक महीने हस्ते मार जो। तुम कह रहे हो मां के हाथ पीले कर दो? डोली चली उधर तेरा जनाजा ही आना चाहिए। मैं किस तरह कहांगा मां ऐतकी छिला साडे हल करना है। शादी तो होगी जी, मगर मगर इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अच्छा जी, किसी को नहीं पता। बात तो होगी, तुम तो ब्याह की खुशी च लुड़ी ही पाल लग पे। बीबी तुम फिक्र ना करो, गल शहरों बाहर नहीं जाएगी। मेरा मतलब है, पट्टी ते जेड़े ने पठान ते अपने नौकर ने, वह भी घर के बंदे ने जी, उन्होंने दसने ही पैने। तो ब्याह करन कि लगे हो? सेठ सुहेल साहब? वारे बाबा, साज पहली यारी तीन नौकर तीन पुत्र अपनी मां की डोली तो रहे। आंटी, नाला, नाला, क्या हुआ? नाला, आज बताइए ना, आज इस घर में, कह भी दीजिए ना, आज इस घर में किसी के हाथ पीले होंगे। किसी के हाथ पीले होंगे? कोई आएगा, कोई आएगा, किसी को साथ ले जाएगा, साथ ले जाएगा। नैला, जल्दी से तैयारी कर लो। हाय ना, ये क्या कह रही हैं आप? ठीक कह रही हूँ मैं, सुहेल आ रहा है। नैला, जल्दी से ऊपर आ जाओ और हमें दुल्हन बना दो, कहीं हम लेट ना हो जाए। ओहो, कहीं हम लेट ना हो जाए। तू लेट हो गई हो, गाड़ी चढ़ गए जी। जी, निकाह कौन पढ़ाएगा? एक जनाजे पढ़ाने वाला मेरा वाकफ है जी। क्या? वो मेरा मतलब है जी, वो मेरा वाकफ है। तुसी आप ही तो क्या है कि गल किसी ने नहीं पता लगनी चाहिए। हाँ। वो मेरा वाकफ है, पढ़ाता जनाजे भी, उन्हें निकाह भी पढ़ा देगा। लो इंज करो, मैं निकाह खान लैके आना, तो तुसी पट्टी नू कहो तेरा घर की सफाई कर देवे। अच्छा। पट्टी तेरा बदमाश आदमी है, सफाई अच्छी करता है। और वो जेड़ा पठान है ना, उन्हें कहो ताड़ी मसहरी सजा देवे। पट्टी को सफाई का मैं कह देती हूँ। अच्छा जी, लेकिन खान को मसहरी का तुम कहो ना। मां सदके जाए। जिंदा रहा। सारी ढाक दी मखियां पैदियां ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कमाल है, तुसी कुंड कढ के शर्माउण डए हो। मैं तो सोचा सी अपना बीड़ कढ के धोण डए होवोगे। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं क्या, मेरा मुंह वेखो, सेहत वेखो, तुहानूं लगदा नहीं एक हफ्ते तो मैं कुछ भी नहीं खादा?
अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अब आप हमारे घर में आ गए हैं। तो तुम्हारे घर च मेरे ना केड़ी चंगी हुंदी, बच्चे तुम्हारे मेनू मामू मामू कहिंदे ने, ते खावन तुम्हारे दी रूह ने मेनू अगे लाया आज। खावन? कौन सा खावन? कैसे बच्चे? तुम्हारे बच्चे हो, बिल्ली दे बच्चे। ओहो कैसी अंकल आप, मैं आंटी को भेजती हूँ। धोखा सेठ सुहेल ने चौथी बारी धोखा, मेरा पठिया च डिग पिया धोखा। बेगम बेगम सुहेल सुहेल तुम आ गए। हाँ मैं आ गया। सुहेल आखिर वो वक्त आ ही गया जिसका हमें इंतजार था। और केड़े वक्त रहे ने, जिनिया साड़िया उम्र हो गई, दो महीने ठहर जा, मैनू होर सोकड़ा पै जाना, तेनू भी कोई दौरे दूरे पैन लग पैने। ऐसे मनहूस बातें मत करो सुहेल। मैं तो दुआवां मांग के दुनिया ते फिरन डया, फरिश्ता दे कदों दा मैनू साइकिल लैके लभन डया। सुहेल सुहेल तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि हमने अपनी जिंदगी के बेहतरीन साल एक दूसरे के बगैर गुजार दिए? जे ऐसी जिंदगी दे बेहतरीन साल कठिया भी गुजार लेंगे तो फिर केड़ा कंप्यूटर सीख लेना सी। ये क्या कह रहे हो? एक मार नहीं मैं तेरे, उदो ते मेरे नाल मंगनी तोड़ के अब्दुल्ला नाल विआह कर लिया सी, उदो की होया सी मैनू जी? है भूल जाओ गुजरे हुए वक्त को। कीवें भूल जावा, मैनू ते लगदा अज भी अब्दुल्ला दी रूह इस घर च फिरन डई है, ओने सानू मेरा नहीं देना। ना उम्मीद की बातें मत करो सुहेल, मैं तो दुनिया पर आई ही तुम्हारे लिए थी। ना उम्मीदी पैदा ही उस वक्त होती है जब इंसान ये भूल जाता है कि वो दुनिया में आया ही सिर्फ खुदा के लिए है। ना उम्मीदी दुनियावी कामों में है, खुदाई में नहीं। देखे रू की आवाज है, रू की आवाज है। रू की आवाज है, तुम्हारी रू की, मेरी रूह की, हर जिस्म में रू एक है, जिस्म अलहदा अलहदा, हर रूह की चाहत खुदा है, हर जिस्म की ख्वाहिश अलहदा अलहदा। रूह की चाहत से प्यार करो, जिस्मानी ख्वाहिशात के पीछे मत भागो, फिर देखना ऊपर बड़ा मजा आएगा, ऊपर बड़ा मजा आएगा। अब्दुल्ला दी रूह फिरन डई, मैं नहीं इत्थे करदे रहना हर बजर। अच्छा तेरा हाथ है सुहेल, सुहेल क्या हो गया तुम्हें? मैं नहीं रहना इस घर च, मैं नहीं रहना इस घर च, कोई साया ते या कोई हमसाया है। ते वापस जाने ही सुहेल, सुहेल ऐसा कुछ नहीं है, अब्दुल्ला मर चुका है, अब मुझे तुम्हारी होने से कोई नहीं रोक सकता। बंदा खंग के आ जाता मरग वाला घर है। केड़ी खंग तेन खंग नहीं आती? वो चिड्डा तेरा मुंह है, तेन तो चाहिए खंग के कंध सुट दवे। मूह के हिसाब न खंघ आती हो, जिडा ताडा मूह है खंघ तो कितने रह गई, ताड़ी तो सीट ही नहीं निकलती होनी। पहले खंघ के आने वाला रिश्ता तो बना लो, निकाह खान ते बाहर खलोता है। क्या निकाह आ गया? निकाह खान आ गया क्या? इमरान खान आ गया। निकाह खान की मतलब मैं समझा नहीं यार। ताडा ते बीबी दा विआह जे। अच्छा जी, हां जी, हैं इतनी छेती ते पीछे टाइम केड़ा रह गया?
टाइम कहना लगे गल सुने ना वो तेरी बीबी भी फरिश्ता महीने का टाइम तो नहीं दे गया नहीं जनाब उन्हें जिन्हों खड़ना सी लै गया बैठो मैं सिर चूसनी मेरे को दफा हो यार की है जनाब घर दिया चीजा सड़क ते रख के चैना दिया कह रहे हो पट्टी अज साड़िया कीते हुए सान भुल गया मेरा चाचा मरिया अच्छा ओदे सारे कपड़े मैं पट्टी नूं दित्ते गिला नहीं किया थाने निकल के गया मार मैं डॉक्टर की दुकान जाके दवाई लेने डॉक्टर भी एक मजाई आ गया मेरा मुंह वेख के मैं कहना पा दी जाओ मनुष्य आते मरीजों का इलाज नहीं करते अपनी शख्सियत का तारफ कराया किसी वाह हयात बंदे ने बह के खा ले अच्छा जा पानी फट पट्टी बह दवाई खाइए भाई जी इतने व्याह है तुम प्यो पुत्र फितराना लैन आए सदा सुहागन रवे वंजी मुड़ा नो ध्यान रखना कि तेरे कोंडी ना टोक लवे टेलीफोन टेलीफोन हाय बोर हो रहे हैं ना तो मुझसे दोस्ती करें मैं हूँ आपका दोस्त मिस्टर टेलीफोन फोन उठाए और मिलाए 09007861 मैं सुनवाऊंगा आपको मजेदार लतीफे दिलचस्प कहानियाँ और हर कॉल पर कुछ नया बस 09007861 डायल कीजिए मेरे पास है आपकी किस्मत से मुतालिक हर सवाल का जवाब क्यों इम्प्रेस हो गए ना अरे अगर आप मुझे अपना लकी नंबर बताएं तो मैं दूंगा आपको 100 से लेकर 50,000 ना कोई कुरानबाजी ना इंतजार और वो भी एक दिन में दो बार कॉल कीजिए बार बार 09007861 हो गई ना पूरी दूर अंदर वोटी है क्या बुरखी लाई है आवाज ना आवाज तो शरीफ ले आओ जनाजा नहीं पढ़ाना निकाह पढ़ाना है तानू उथे भी दसिया सी जनाजा नहीं जी निकाह पढ़ाना है निकाह जी निकाह लिया गल्लां करो ना तुसी के देंगे देंगे फिक्र ना करो निकाह पढ़ाना है समझ गए हो ना जी ब्याह लिया गल्लां करनी आओ ए जी ऑफिस में लाइ जाओ अस्सलाम वालेकुम शादी है जी और आप आके मैं घोड़े चढ़ के नचना और शरीर के बैठो लाड़े नहीं उठते होंगे क्यों लाड़े की लात वाटी होंगी है नहीं कोई ऐसे कर ली मैं अम्मी जान मुंह तले कर लो चलो जी शुरू करो जी जी शुरू करन तो पहला मैं एक बहुत जरूरी गल करनी चाहना ओ कतरा वाली कोई गल नहीं पट्टी खोलो ना जेड़ी मर्जी गल खोल के गल एवे जी ये चलो चली दा मकाम है असल च
ਨੇਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਚਲੋ ਚਲੀ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਨਿਕਾਹ ਪੜਾਇਆ ਜਾਣ ਡਿਆ, ਕੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਪੜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਜੀ ਖਾਲੀ ਸਮਝੀ ਜੀ ਜੀ, ਵਿਆਹ ਹੈ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਨਿਕਾਹ ਪੜਾਉਣਾ ਜੀ ਜੀ, ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਸ਼ਾਦੀ ਸਮਝ ਗਏ ਜੀ ਜੀ, ਨਿਕਾਹ ਪੜਾਉਣਾ ਇਸ ਨਾਲ ਬਜਟ ਸ਼ਾਦੀ ਸ਼ਾਦੀ। ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਮੂੰਹ ਤਲੇ ਕਰ ਲਓ, ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਢੇਰੀ ਬੜੀ ਵੇਖ ਲਈ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਜੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾੜੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਜੀ ਬਾਜਮੀ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਅਸਲ ਚ ਹੋਇਆ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਭੱਟੀ ਖਲੋਟਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਝਗੜਾ ਕੋਈ। ਅੱਛਾ ਭੱਟੀ ਉਹਨੇ ਵਿਆਹ ਦਿਆ, ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ। ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨੀ। ਚੁੰਮ ਚੁੰਮ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਜੂਆਂ ਹੀ ਸਮਝ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀ, ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਵਿਆਹ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਵਿਆਹ ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਹੋਣਾ, ਨਿਕਾਹ ਪੜਾਉਣਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ, ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ, ਸ਼ੇਹੂਪੁਰਾ ਉਹਨਾਂ ਤੀ ਮੀਲ ਲੈ ਗਏ ਕੀ ਕਰੇ ਕੀ ਕਰੇ
ਤੋਂ ਕੇ ਜਰਦਾ ਦੇ ਲਈ ਵਿਆਹ ਸਿਆਪਾ ਪਾਤਾ ਪੱਗ ਵੀ ਪਾਰ ਛੱਡੀ ਜੇ ਮਰ ਗਏ ਅਕਲ ਕਰੋ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰਨ ਡੇ ਹੋ ਹੱਥ ਹੋ ਗਈ ਚਲੋ ਉਂਝ ਫੜ ਲਓ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇਹ ਸ਼ੈਲਾ ਨੇ ਦਾ ਲਾਲਾ ਮੈਂ ਕੀ ਇੱਕ ਲੀਟਰ ਚ ਸੱਤਰ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਜਨਾਬ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜੀ ਜੀ ਜਨਾਬ ਸ਼ਾਦੀ ਇਤਿਹਾਰ ਪਾਇਆ ਹੋਰ ਇਹਨੇ ਘਰੋਦਿਆਂ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਖਜੂਰਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀਆਂ ਬੱਲੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਲਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਲੈਣਾ ਛੱਡੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਰਾ ਦੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਗਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖੋ ਨਿਕਾਹ ਹੋ ਹੀ ਨੀ ਸਕਦਾ ਉਹ ਲਾੜੇ ਦੇ ਨੱਕ ਚ ਰੂ ਤੇ ਤੁਨੋ ਛੁਰੀ ਫੇਰ ਲਵੋ ਓਏ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ 9 ਲੱਖਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਬੈਠੋ ਨਾ ਪੱਟੀ ਬੈਠਾ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਖਲੋਤਾ ਵੇਖਣ ਲੈ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸੋਹਣੇ ਇੱਧਰ ਬਹਿ ਜਾ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਫੜੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਟਾ ਨਿਕਾਹ ਬਣਾ ਦੇ ਹੁਣ ਗਰਮ ਹੋ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬਰਫ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਪੱਖਾ ਲਾ ਦੋ ਚੀਨੀ ਪੀ ਪਰ
ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਰ ਲੋ ਬਾਜੀ ਗੱਲ ਅਮੀ ਜਾਨ ਮੂੰਹ ਚਲੇ ਰਹੇ ਜੀ ਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਦੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਮਸੀਤੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰਾ ਦਿਓ ਅੰਨੇ ਸਵੇਰੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਸੌਣ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬਰ ਸਬਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਰੋਵੋ ਨਾ ਪੜੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਜੀ ਸਿੱਧਾ ਨਿਕਾਹ ਪੜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਫਾਰਮ ਪੂਰ ਕਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ ਬੜੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ ਲਓ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ ਹਾਂਜੀ ਫੜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਾਹ ਰੋਕ ਦਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਸੁਣ ਲਓ ਉਹ ਨਿਕਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ ਨਿਕਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਿਕਾਹ ਦੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਦੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਿਕਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਗੌਰ ਨਾਲ ਫਾਲਵੋ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸੋਹਣਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿੱਟੀ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਲਓ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਨਿਕਾਹਾਂ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਨਿਕਾਹ ਪੜਨ ਦੀ ਦੇਰ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰੋਟੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਹ ਪੜਦੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਸ਼ਬਾਰਕਾਂ ਜਾਣਾ ਨੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚਾਲੀਆਂ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਦਵਾ ਮੰਗ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇਰੀ ਸਮਝ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਲਵੇ ਭੱਟੀ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਘੋੜੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਘੋੜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਘੋੜੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋ ਜਾਏ ਜਦੋਂ ਘੋੜੀ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਸੱਜਾ ਗੋਡਾ ਮੂਧਾ ਮਾਰ ਕੇ ਲੱਕ ਚ ਪਰਨਾ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਨਿਕਾਹ ਨਿਕਾਹ ਬੜਾ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕੋਈ ਉਮਰ ਮੇਰੀ ਸੀ ਨਾ ਨਿਕਾਹ ਦੀ ਚਲੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲੇਟ ਨਾ ਕਰੋ ਵੇਖਦੇ ਚਲੋ ਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਸੀਹਤ ਨਾ ਕਰੀ ਹੁਣ ਫਾਰਮ ਪੂਰ ਕਰ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੇਠ ਸੁਹੇਲ ਸੇਠ ਸੁਹੇਲ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਹਾਸ਼ੂ ਕੀ ਨਾਂ ਹੋਇਆ ਹਾਸ਼ੂ ਨਾਂ ਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹਾਸ਼ੂ ਤੇ ਕੀ ਕੱਪੜੇ ਟੰਗੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੇ ਪੁੱਠਾ ਨਾਂ ਹੈ ਨਾ ਹਾਸ਼ੂ ਸਿੱਧਾ ਨਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਸੇਠ ਹਸ਼ਮਤ ਹਸ਼ਮਤ ਅਲੀ ਇਹ ਲਿਖਾਓ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤਖਤੀ ਤੇ ਲਿਖਾਣਾ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਅਸਲ ਚ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਖਤੀ ਤੇ ਲਿਖਾਇਆ ਉਹ ਲਾਓ ਤੂੰ ਸਮਝ ਗਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਨਿਕਾਹ ਹੀ ਤੂੰ ਕਰਾ ਲੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੇਖੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ 14 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਾਂਸ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਜੀ ਉਹ ਡਾਂਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਏਡਾ ਕੋ ਮੁੰਡਾ ਚਿਮਟਾ ਫੜ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣ ਡਿਆ ਵੀ ਭੱਟੀ ਖਲੋਤਾ ਕੋ ਨਾਮ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਭੱਟੀ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਨਾਮ ਕਿੱਥੇ ਭੱਟੀ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਭੱਟੀ ਆਪਣਾ ਜਹਾਮਤ ਕਰਾਉਂਦਾ ਕੀ ਸੇਠ ਸੁਹੇਲ ਵਰਦ ਹਸ਼ਮਤ ਅਲੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਥੋੜੀ ਦੱਸੀ ਇਹਨੇ ਪਤਾ ਨੀ ਕੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੁਗਨੀ 5 ਸਾਲ ਲਿਖਵਾ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਸਕੂਲੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਹੈ 25 ਸਾਲ ਜੀ
पंजी साल मैं तुहानू दस दिया जवान मैयत की दवा होर हुंदी जे मैं समझ गया ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਚ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਧਰ ਜਾਣਾ ਨਾ ਉਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬੇਗਮ ਸ਼ਹਿਨਾ 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 ਉਹਦੇ ਵਾਲਾ ਲਿਖ ਲਵੋ ਜੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬੇਗਮ ਸ਼ਲਾਦ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਵਰਕਾ ਦੂਰਾ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹ ਆਪੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਬੇਗਮ ਸ਼ਹਿਨਾ ਜੀ ਬੇਗਮ ਸ਼ਨਾਦ ਰੋਟੀ ਕੁੜਮਾ ਨਾ ਬਣਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਛਾਪਣ ਆਣਾ ਪੈ ਲਿਆ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣਾ ਤੂੰ ਸਮਝ ਗਿਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ੱਕ ਕੱਢ ਲੈਣ ਮੈਂ ਤੇ ਮਰਿਆ ਮਰਿਆ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਉਮਰ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ 22 ਸਾਲ ਬੇਗਮੋ ਨੇ ਉਮਰ ਪੁੱਛੀ ਕਮਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖੋ ਜੀ 78 ਗੱਟ 100 22 ਸਾਲ ਲਿਖ ਲਵੋ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿਸ਼ੌਰ ਪਾ ਲਵੋ 22 ਸਾਲ ਜੀ ਇਹ ਡੋਲੀ ਸਲੈਪ ਵਾਲੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਡਾਂਟ ਵਾਲੀ ਤੂੰ ਸਮਝ ਗਿਆ ਹੁਣ ਸਮਝ ਗਿਆ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਾ ਮੱਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕੋਈ ਧੁੱਪੇ ਸੇਠ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਹੀ ਗੱਲ ਐਡਾ ਘੁੰਮਦਾ ਸਾਂ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਗਿਆ ਬੜੇ ਬੜੇ ਨਿਕਾਹਾਂ 'ਚ ਤਸ਼ਰੀਫ ਮੁਕੱਲਮ ਖੁਦ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਆ ਸਲੈਪ ਵਾਲੀ ਡੋਲੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਚਲੋ ਡੋਲੀ ਦਾ ਰਾਟਾ ਹੀ ਮੁਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਖੜਨੇ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਲਿਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉਤਰਿਆ ਨਾ ਧਿਆਨ ਪੁਆ ਰਹੇ ਹੋ ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ ਜੀ ਜੀ ਫਟਾ ਰੋਣ ਕਬੂਲ ਕਬੂਲ ਕਰਾ ਦੇ ਥੋੜੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਕਬੂਲ ਕਬੂਲ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਣ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਲੱਥ ਗਏ ਹਾਂ ਬਈ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੋਰ ਹਾਂ ਓਏ ਚੱਲ ਪੱਟੀ ਚੱਲ 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 ਬਸ ਚੰਗਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਰਿਹਾ ਚੰਗਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਪੱਟੀ ਕੋਲੋਂ ਬਿਸਤ ਕੀਤਾ ਹੀ ਇਹਨੇ ਹੋਰ ਕਬੂਲ ਕਬੂਲ ਕਰਾ ਦੇ ਕਬੂਲ ਕਬੂਲ ਕਰਾ ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਕਬੂਲ ਕਬੂਲ ਕਰਾਉਣ ਪੱਟੀ ਦੇਖ ਟੂਟੀਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਤੁਮ ਕਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਚੋਈ ਕੇ ਲੈ ਆਈ ਯਾਰ ਕਿ ਬਜ਼ਾਰੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਮੇਰਾ ਵਾਕਫ ਹੀ ਇਹ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਚਿੱਕਣ ਮੋੜ ਕੇ ਪੰਜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਕਫ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਬਾਪ ਬਣਾ ਤਾਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜੁਆਇਆ ਕਿਤੇ ਹੱਥ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਯਾਰ ਮਤਾ ਬੋਲੇ ਲੈ ਆਉਂ ਜੀ ਜੀ ਬਾਬਲਾ ਕਰ ਲੱਗੇ ਚਲ ਯਾਰ ਨਿਕਲ ਜਾ ਬਸ ਕਰੋ ਯਾਰ ਬੜੀ ਹੋ ਗਈ ਜੋ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾਓ ਨਿਕਾਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਹਾਂਜੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸ਼ੇਖਪੁਰ ਤੋਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉੱਠੇ ਚੱਲ ਉੱਠੇ ਚੱਲ ਬੇਗਮ ਸ਼ਨਾਦ ਤੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੈ ਕਬੂਲ ਹੈ ਕਬੂਲ ਹੈ ਕਹਿਣ ਜੋ ਡਈ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛੀ ਤਾਂ ਨਾ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਉਹਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਕਬੂਲ ਹੈ ਕਬੂਲ ਹੈ ਹਾਂ ਬਈ ਕਾਕਾ ਤੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੈ ਹੋਰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਖੱਜਲ ਹੋਣੇ ਆ ਅੱਜ ਕਹਿ ਦਿਓ ਨਾ ਕਬੂਲ ਹੈ ਕਬੂਲ ਹੈ ਕਬੂਲ ਹੈ ਕਬੂਲ ਹੈ ਕਬੂਲ ਹੈ ਕਬੂਲ ਹਿੱਲੇ ਕੋਈ ਨਾ ਆ ਜਾਓ ਬਈ ਆ ਜਾਓ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਬੋਰੀਆਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲੋ ਐਸਾ ਚੁਕਾਉਣ ਮੈਂ ਤੇ ਖੋਲੋ ਵੀ ਆਪ ਏਡਾ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਖੋਲਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਵੇਖਿਆ
ਜਿਹੜਾ ਬਰੀਫਕੇਸ ਖੋਲਦਾ ਨਾ ਉਹੀ ਉੜਦਾ। ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਦੱਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪੰਜ ਸੱਤ ਖੋਲ ਬੈਠੇ। ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫਿਲਮ ਨੀ ਵੇਖੀ ਜਿਹਦੇ ਚ ਬਰੀਫਕੇਸ ਖੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੰਬ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨੀ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਸਹੀ ਭੱਟੀ 30-35 ਹਜ਼ਾਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਵਰਨਾ ਇੰਨੇ ਦਾ ਤੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਨੀ ਵਿਕਣਾ। ਖੋਲਣਾ ਅਖੀਰ ਭੱਟੀ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤਿਆ ਜੀ ਸਰ। ਮਜਾ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕੌਣ ਨਾ ਕੌਂਡਾ ਇਹ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨਾਲ ਠੇਕੇ ਤੇ ਧਾਣਾ ਲਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਚਲੋ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਤੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਨਖਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਆਦਮੀ ਸਾਰੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਗੈਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਜੇ ਇਹ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਇਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਹੈ ਦੋ ਮੂੰਹ ਨੇ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਜਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਹਸਾਵਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜੂਆਂ ਦਾ ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੇਕ ਰਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਸਕਦੇ ਬੜੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆ ਪਿਛਲੇ ਜਿਵੇਂ ਹੋਟਲ ਚ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਵੀ ਖਾਣੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠਾ ਵੇਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਟੀ ਲਿਆਓ ਮੇਰੀ ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਡਾਬੜੇ ਕੇ ਸਾਲਣ ਲਿਆਂਦਾ 45 ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ ਇਹ ਵੇਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਧਰ ਮੈਨੂੰ ਡੰਗਰ ਸਮਝੇ ਉਤਰੀਆਂ 5 ਚੁੱਕ ਲਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਖਾਊਂਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੈਸੇ ਹੋਊਂਗਾ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਥਾਣੇ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਪਾਣੀ ਗੜੀਆਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਜੇ ਵੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੇ ਇੱਧਰ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ ਵੱਡਾ ਹਜੇ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਤੂੰ ਉਹ ਸਸਤੇ ਹੈਲਮਟ ਜਿੰਨੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਖਾਂਦਾ ਨਾ ਜਨਾਬ ਇਹਨੂੰ ਹੀਰੋ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਏਗਾ ਲੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਜਾਂ ਫਿਲਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਖੀਰ ਰਾਂਝਾ ਭਾਪੀ ਦੀਆਂ ਪੂੜੀਆਂ ਚਟਣੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਲਓ ਕਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਹੀਰੋ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦ ਮੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਜੇ ਆਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਸ਼ਤੋ ਫਿਲਮ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿਹੜੀ ਟੋਪਕ ਜਮਾ ਕੁਕੜ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਫਿਲਮ ਪੰਜਾਬੀ ਬਣੇਗੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਦੇਗਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬਣਾਓ ਪਸ਼ਤੋ ਬਣਾਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾਓ ਮਾਰ ਦੇ ਵੱਡੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਸਿਨੇਮਾ ਸਕੋਪ ਵੱਡੀ ਫਿਲਮ ਕਿਹੜੀ ਲੰਗਰ ਕਾ ਸਿਕੰਦਰ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ
ਫਿਲਮ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮ ਕੀ ਨਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜੀ? ਜ਼ਰਦੇ ਮੇ ਰਹਿਣੇ ਦੋ। ਇੱਕ ਬੈਠੋ ਔਰ ਸੱਚੇ ਲੋ ਜੀ ਜੀ ਆ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਏਗਾ। ਕਿਹੜੀ? ਦੀ ਲਾਸਟ ਕੋਫਤਾ। ਇੱਕ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ, ਇੱਕ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਫਿਲਮ ਪੰਜਾਬੀ ਬਣੇਗੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਨ ਵਰਿਆਮ। ਪਾਗਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਬਣਾਓ। ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਬਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਹਾਜ ਮੌਲਾ ਜੱਟ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਬਣਾਏਗਾ। ਕਿਹੜੀ? ਦੇਖ ਉਦਾਸ। ਮੈਂ ਉਰਦੂ ਹੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਚ ਹੀ ਬਣਾਈਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ। ਅੱਛਾ, ਮੂਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਂਗੇ। ਹਿੱਟ ਕਰਾਣੀ ਤੇ ਕਾਮੇਡੀ ਫਿਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਕੀ ਨਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜੀ? ਨੌਕਰ ਬੋਟੀ ਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ? ਨੌਕਰ ਤੇ ਪਾਲਕ। ਮੈਂ ਉਰਦੂ ਬਣਾਉਣੀ ਵੱਡੀ ਫਿਲਮ। ਕਿਹੜੀ? ਫਿਰ ਨੀ ਸਜਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬਣਾਏਗਾ, ਸ਼ੋਰਾ ਤੇ ਕੜਾਈ। ਪਠਾਣਾ ਹੈ ਫਿਲਮ, ਨੀ ਗਾਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਫਿਲਮ ਮੈਂ ਵੀ ਉਰਦੂ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਫਿਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਨਾਸ਼ਤੇ ਕਾ ਪੱਥਰ। ਨਾ ਜੀ, ਉਰਦੂ ਬਣਨ ਨਹੀਂ ਆਣ। ਨਾਸ਼ਤੇ ਕਾ ਪੱਥਰ ਜੇ ਉਰਦੂ ਬਣਨ ਨਹੀਂ ਆਣ ਤੇ ਉਰਦੂ ਮੈਂ ਵੀ ਬਣਾ ਦੇਣੀ। ਕਿਹੜੀ ਭਾਈ? ਕਭੀ ਲੱਸੀ ਕਭੀ ਬੰਦ। ਕਭੀ ਲੱਸੀ ਕਭੀ ਬੰਦ, ਵਾਹ ਵਾਹ। ਕਭੀ ਲੱਸੀ ਕਭੀ ਬੰਦ, ਤਾਰਾ ਰੰਗ ਪੰ ਪੰ, ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਮਰਾਸੀਆਂ ਚ ਫਸ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਆ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਭਲਿਆ, ਚੀਮਾ ਵੀ ਤੇ ਸਬਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਲਾ ਜੀ, ਇਤਨੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਹੋਰ ਬਣਾ ਲਓ। ਕੀ ਨਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜੀ? ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਕੇ ਛੋਲੇ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਛੋਲੇ ਗਰਮ ਬੜੇ ਹਣ ਜੇ। ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਕੇ ਛੋਲੇ। ਕਿੰਨਾ ਕਿਊਟ ਆ ਨਾ, ਕਿਊਟ ਬਲਕਿ ਕਿਊਟਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾਦਕ ਦੀ ਕੁੜੀ ਲੈਣੀ, ਹੀਰਵਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕੀਆ ਫਿਲਮ ਲਾਉਣੀ ਆ। ਕੀਮੇ ਵਾਲਾ ਨਾਨ ਨਚਾਵੇ ਗਲੀ ਗਲੀ। ਆ ਬੇਵਕੂਫਾ, ਕਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਸ਼ ਇੱਕ ਡਿਸ਼ ਪਿੱਛੇ ਗਜ਼ਲ ਕਰਨ ਡਏ। ਲਵ ਸਟੋਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਓ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੋਏਗਾ ਜੀ? ਲਵ ਇਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਬਾਗਬਾਨ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀਰੋ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਉਣੀ ਸਾਗ ਨਾਨ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਗਾਣਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸੋਹਣਾ ਏ ਕਮਾਲ ਸੋਹਣਾ ਵੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। 200 ਖਾਂਦਾ ਨਾਨ ਸੋਹਣਾ ਵੇ, ਖਾ ਗਿਆ ਸਲਾਦ ਸੋਹਣਾ ਵੇ, ਹੋਰ ਮੰਗੇ ਦਾਲ ਸੋਹਣਾ ਵੇ, ਚਾਏ ਪੀਤੀਆ ਲੱਸੀ ਪੀਤੀਆ, ਜਾਈ ਨਾ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕੰਜਵੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹਯਾ ਨੀ ਸੋਹਣਾ ਵੇ, ਖਾ ਗਿਆ ਦੋ ਬਾਲ ਸੋਹਣਾ ਵੇ। ਮੈਂ ਨੀ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ। ਕਿਉਂ ਬਾਈ ਜਾਨ? ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ। ਕੀ ਨਾ ਹੋਏਗਾ? ਵੇਦਾ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਲਾਲਾ ਪੈਸੇ ਸੋਹਣਿਆ, ਪੈਸੇ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਜਿੰਨੀ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਨਾ, ਇਹ ਫਿਲਮ ਘੰਟਾ ਨੀ ਚੱਲਣੀ। ਸੋਹਣਿਆ, ਤੂੰ ਢਿੱਡ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਰੱਖ ਭੱਜਣਾ ਹੀ। ਇਹਨੇ ਬਣਾਈ ਨਾ ਮੈਦਾ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਬਣੇਗੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ। ਕੀ ਨਾ ਹੋਏਗਾ? ਫੱਕੀ ਦਾ ਵੈਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਲਾਉਣੀ ਛੋੜੀ ਜੀ। ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਬਣਾ ਲਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਕੈਨੇਡਾ? ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਸਰ, ਕਿਉਂ? ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਤਾ ਯਾ ਬਣਾ ਲਓ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੇ, ਆ ਲੱਗਦਾ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਭਾਂਡੇ ਪਏ ਨੇ। ਦੋ ਦਾਲੇ ਭਾਂਡੇ ਇੱਥੇ ਪਏ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੇ ਉਧਰ ਕਤਰ ਸੰਡੇ। ਕੱਟੇ ਉਧਰ ਤਰ ਸੰਡੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਜਰ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਮਾੜਾ ਹੋਣ ਡੇ। ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਵੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਚੱਲ ਵੀ
ਓ ਭਾਈ ਮੈਂ ਜੋੜੀ ਵੇਚਣੀ ਯਾਰ ਸਰਦੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਹੋਰ ਪਾ ਲਓ ਮੱਛੀ ਕਿੱਥੇ ਖਾਵਾਂ ਫਿਲਮ ਤੇ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣੀ ਤੂੰ ਫਿਲਮ ਨਾ ਬਣਾ ਤੂੰ ਸਿਹਤ ਬਣਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਨਾ ਰਾਜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਖਾਜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਫਿਲਮਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਕੀ ਟਕਰ ਤੱਕ ਸ਼ੈਸ਼ਲੀ ਖਰਬੂਜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀਆ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਰਾਜੀ ਮੇਰੀ ਹਟਾ ਕਰ ਮੁਹੰਮਦੀ ਨਿਹਾਰੀ ਵਾਲੇ ਘਰ ਕੱਬ ਖਾਓਗੇ ਯਾਰ ਐਵੇਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਫਿਲਮ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ ਕੀ ਨਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਮੁਗਲੇ ਆਜ਼ਮ ਫਿਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਕਰੋ ਕਿਹੜੀ ਗੁਲਗੁਲੇ ਆਜ਼ਮ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾ ਲਾ ਕੁਝ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਲਓ ਬੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੀ ਆ ਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ बच गया नकाह दा डंगिया था तो भी डरदा भाई अपने मुंह नाल खुशी ने करके डंड दे नाल ठा ठा सही है जरूर आई मैं क्यों कहना तेरा मुंह वड्डा ही वड्डे बंब चलाने ले जादू खाने गां मेरे इलाके चो जंगल कड़िया नाके ला नाके लाओ यार नाले पैसे लुटो अफसर बनिया काम की मुल्क की खिदमत वास्ते करना नौकरी पुलिस की ਨੀ ਤੇਰੇ ਤੇ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਰਾਚੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀ ਜੀ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੈਪਰ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਕਰਨੀ ਤੇ ਮੁਫਤ ਨਾ ਆਵੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ आप मेरे मुलाजमो क्यों लिया है मुलाजम आप दहशत कर दिया ए बंब है अरे नहीं नहीं आपको गलत फहमी भी है ये तो बहुत नेक बहुत शरीफ इंसान है यार मान पे नहीं मैं अपनी फोटो ही दिखाई चढ़ी आएंगे नहीं खिंचाई ये तो बहुत शरीफ इंसान है ये मेरे अंकल हैं अंकल केड़ा आता है चाचा मखन केड़ा अंकल मेरे नहीं ये मेरे मामू है चल जा परे काम कर क्या हुआ अब पता नहीं है कौन है तो ना सरिया विंगा करने वाला मैं नहीं जानता यार नु ले जाओ अपनी फड़ के मैं नहीं बोलेगा मामू नु मामू मामू कह जाना ओ मानदा ही नहीं मैंने तो तुम्हें दहशत पागल है नु यार नहीं नहीं आप नहीं दस रहे एक सेकंड हां मेरे मामू है पर तो सुन लो क्या है मामू ने ना कहो क्यों वो तुम्हारी अम्मी ने उधर ब्याह कर लिए हां तो मैं कह रहा हूं मेरा क्या मामा नहीं से इससे इसमें बम है और यही दहशतगर्द है जी इंस्पेक्टर साहब जी वो तीनों हमारे मुलाजिम हैं और निहायत शरीफ आदमी है जी सुहेल साहब
जी वो तो बहुत बड़े फिल्मर है और उनका ये दहशतगर्दी से क्या ताल्लुक? प्लीज छोड़ दीजिए उन्हें। क्या आपने उन्हें मारा है? क्यों? ओह प्लीज उन्हें छोड़ दीजिए, बड़ी मेहरबानी। हाय, बोर हो रहे हैं ना? तो मुझसे दोस्ती करें। मैं हूँ आपका दोस्त मिस्टर टेलीफोन। फोन उठाए और मिलाए 09007861। मैं सुनवाऊंगा आपको मजेदार लतीफे, दिलचस्प कहानियाँ और हर कॉल पर कुछ नया। बस 09007861 डायल कीजिए। मेरे पास है आपकी किस्मत से मुतालिक हर सवाल का जवाब। क्यों इम्प्रेस हो गए ना? अरे अगर आप मुझे अपना लकी नंबर बताएं तो मैं दूंगा आपको 100 से लेकर 50,000। ना कोई कुरानदाजी, ना इंतजार, और वो भी एक दिन में दो बार। कॉल कीजिए बार बार 09007861। हो गई ना पूरी दूर। वो सब मैं क्या पूछ रही हूँ, उनको साथ लेकर क्यों नहीं आए? मेरी बात का जवाब दो। टीना फोन उठाओ। हेलो टीना, कैसी हो तुम? टीना तुम हमेशा मुझसे एक बात कहती थी, मैं इनकार करता था, आज वही बात मैं तुमसे कहता हूँ। आई लव यू, आई लव यू। माँ के सामने और ऐसे बेशर्मी से गुफ्तगू? टीना सब तुम जल्दी से मेरे घर आ जाओ, हम दोनों मिलके शादी प्लान करेंगे। हाँ क्या शादी? कोई जरूरत नहीं हमें किससे पूछने की, हम कोर्ट में जाके शादी कर लेंगे। बस तुम जल्दी से मेरे घर आ जाओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। अरे क्या हो गया इसको, किसी की सुनता ही नहीं। असि किसे दी नहीं सुननी, असि नौकरी छड़ी सामनी चाहिए होरी तरह। मगर तुमने हुआ क्या है? तनखा डबल हुई सी ना? हाँ। जलालत भी डबल हो गई है। सालों ने चाहिए था होने पैसा। मिन्नू ने चाहिए था ना पैसे। कादे हो? अजय हम लड़ा ना पके हैं क्या जा? असली कर लिया इस काम की नौकरी। क्यों? हुआ क्या है? ते कारी मशकूक है, ते पुलिस तक चाका खुल गई। लेकिन इसमें हमारा क्या कसूर है? तुम तो जानते हो जुगनू कि हम निहायत शरीफ लोग हैं। तुम शरीफ लोग हो? हाँ। मैं बदमाश हूँ, नौकरी करना मैं तुम्हारी नहीं करती। जुगनू शराफत का साथ दो। शराफत का साथ देता तो ही सारे पड़े जा। क्या मतलब? वो इंस्पेक्टर का नाम शराफत जी। दिया होगा साथ दसा में तुम्हारी ये सारी गल। ठीक है चले जाओ उसके पास, पकड़वा दो हमें, जेल में बंद करवा दो। कुछ नहीं लगते हो तुम्हारे, ना ही तुम हमारे कुछ लगते हो। डर जाना। टीना आई लव यू। क्या ये केड़ी औरत अल मुंह करके हमारी फायरिंग करन दे? ये किस माँ को आवाजें दे रहे हो तुम? देखी इसकी हरकतें तुमने? मैं तो तुम्हारी यमी वेखन दी है। मैं तो नौकर हूं जनाब, मैं यही कर सकता हूँ। बाप तो मरे हुए अभी एक ही दिन हुआ है और दूसरे दिन ये क्या गुल खिला रहा है? वो तो गुल खिलान दे, तू ही तो बूटा ही ला ले। बूटा भी वो लाया जिसे तो भोला पत्थर नहीं टेढ़ी टेढ़ी। ठीक है जुगनू, तुम भी इसके साथ मिल जाओ। लेकिन ये सब कुछ मैंने किया किसके लिए? इस औलाद के लिए। इस औलाद को मरने से बचाया शौहर की कुर्बानी देकर, अब इस औलाद को बाप का साया देने के लिए दो कपड़ों में हार कर दी। अरे मां सदके जाए, और तुहाडा की ख्याल है? इत्थे तुहाडी पूरी तेल महंदी हुंदी, तुहाडियां बुढ़िया बुढ़िया सहेलियां इत्थे ढोलकी ते गाने गांदियां, कईयां दी नीरी ताड़ी मारदी है, शुगर लो हो जाणी, कईयां दा गिद्दा पांदी है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाणा है। दो तीन तुहाडियां सहेलियां इत्थे गोडियां ते आयोडेक्स मल के बैठियां हुंदी, फिर तुहाडी जान जांदी। जुगनू ए उतो आके कहिंदी आंटी जल्दी से तैयार हो जाए, कहीं हम लेट ना हो जाए। देखिए इसकी तुमने हरकतें, घर में मुसीबत आई हुई है और ये कैसे हमें तंग कर रहा है। जुगनू देखो इस मुश्किल वक्त में हमें इनका साथ देना चाहिए। किए नल रल के चिंची चलाने लग पाओ, थोड़ा साथ देते हैं ना तो
ਲਾਸ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲੁਕਾਉਣ ਡਏ ਆ, ਗਲਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦਫਨਾਉਣ ਡਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ। ठीक है, मुझे पता चल गया तुम सब एक हो गए हो। ठीक है, मैं जहर खा लूंगी, मर जाऊंगी, मैं नहीं जिंदा रहूंगी मैं। आंटी जुगनू, आंटी को रोको, मैं जहर खाने जा रही है। वो खान देने में तेनू होर ले आ दिया। चलो क्या बकवास कर रहे हो? नहीं खांदे जहर, खुदकुशी बंदा उदो करदा है जदो ख्वाहिशां खत्म हो जाए। इन्हें तो कल के ब्याह तो अंदाजा ला लो, इन्हों ख्वाहिशा नहीं चुकी, नहीं तो खावन के मरण के बाद खेत खाने की बजाय जहर खाते। आंटी जुगनू देखो, अगर आंटी ने जहर खा लिया ना तो पुलिस हम सबको पकड़ के ले जाएगी। पुलिस पकड़ के लेके जाएगी तो बहुत बुरा होगा, जाओ ने रोको कहीं हम लेट ना हो जाए। तुम्हें समझ नहीं आ रही, ढाई घंटे जो मेकअप कर रही उदो नहीं सोचती कहीं हम लेट ना हो जाए। भाई मैं तो लेट होने, मैनू तो पैसे दो। अजय हूं जोड़ी दफना गए ये क्या बकवास कर रहे हैं? जोड़ी तो मेरे मगर पे, मैं पैसे दे, मैं कलमा छोटियां करानी है। मामा किधर है? जहर खाने गई है। चलो अच्छा, ये फैसला उन्होंने खुद कर लिया, वरना ये काम भी मुझे को करना पड़ता। सही गल है। हाय अल्लाह, क्या हो गया इस घर को? तेरी आंटी कहीं हम लेट ना हो जाए। तो बात सुन जुगनू जी, यार मेरा भाई ये काम तो कर। हाँ जी। तू मेरा दोस्त है ना? हाँ जनाब। मेरा एक काम कर यार। जी जनाब। तू उस कमीने, उस जलील, उस घटिया इंसान का पता चला जनाब, जिसने उस दहशतगर्द से मामा की शादी करवा दी यार। मैं तुझसे कह रहा हूँ कि तू उस कमीने घटिया इंसान का पता चला जिसने मामा की शादी उस दहशतगर्द से करवा दिया। ओनू दबा करो, तुसी मां नाल गल करो। नहीं नहीं यार जुगनू, मैं मामा से बात नहीं कर सकता, उनके सामने मेरी जुबान नहीं खुलती है। मैं मजबूरी ना होती, मेरी जुबान कभी नहीं थी खुलनी। मैनू पैसे दो, मैं जावा। मैं किस चीज के पैसे भैया? इतने तेरी मां का जनाजा पढ़ाया खा दे। मजबूर हो गए मेरा मतलब शादी दफ्तर च काम करता हो। वो खान और घटी की तरह मुझे ये उन दोनों का काम लगता है। ओ नहीं जनाब, अभी तो तीन जने सर्वेंट क्वार्टर च बैठे हैं, सानू तो पता ही नहीं केड़े ले ब्याह हो गया जी। इस वक्त वो दोनों कहाँ हैं? ओ जनाब, वो तो थाने मार खा के निकले सन, जैद मार पई सी, गमकीन होए सन, वो कब्रिस्तान नू लंघन डे सन, उत्थे मलंग बूटी घोटन डे सन, वो दोवे जने भंग पी के सड़कां ते डिगदे फिरदे ने। दोनों नशे में? हां जी। अच्छा दोनों घर आए तो मुझे बताना, और जुगनू उस कमीने का पता चला? जलील का पता चला? किराना पता जी, किराना पता करा उसका। ये तो टीना है, ये तो आ गई। तुम तो आई गई, पर तुम आई क्यों? मगर मैं तो टीना, मैं भी तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा। क्या? मैं भी तुम्हारे बगैर एक पल नहीं जी सकता टीना। सच्चे सान, कितने अच्छे हो तुम, कितनी प्यारी हो तुम, कितने बेगैरत हो तुम। टीना, आज के बाद तुम इसी घर में रहोगी। सच? क्या हो रहा है इस घर में? कितना प्यार है इस घर में, कितनी मोहब्बत है इस घर में, कितनी चाहत है तुम में। तुम्हारी चाहत में आंखें बंद करता हूँ तो मैं ये भूल ही जाता हूँ कि तुम कौन हो। मैं कौन है ये लड़की? मैं तुम्हारा प्यार हूँ एहसान, मैं तुम्हारी मोहब्बत हूँ। क्या? क्या बकवास है ये? एक बार फिर कहो। हाँ, ये तुम्हारा प्यार हूँ। जुगनू, ये देखो इस घर में क्या हो रहा है। गगड़ी लू वेख के खरबूजा रंग फड़न दे। जुगनू, जुगनू, मुझे कुछ हो
मैनू तलाक दे दे जिड़ी भी तगड़ी है ना तेरा तलाक ना कुछ नहीं बनना तेन तरी तलाका दिया मेरी गोली ऐसी है जो मेरा जनाजा जाएगा और मैं लास्ट पाया गुलकान गुलकान मैं समंदर खान के दरिया खान की बनेगा काला बाग डैम बनेगा पुलिस वाले मैं इंज मारते ने जिम्मे कोई सवाब का काम है डॉक्टर बुला लो बड़ा मारिया पुलिस वाले ना रवैया ठीक नहीं ना वजह तो कोई बंदा थाने च नहीं वड़दा मार खा के जावांगा मैं कितने दौड़ चला बेसबरे ही हो जाने ने आए अद्धा घंटा कुटन तो बाद मैं कहते दुध पत्ती लियाओ दुध पत्ती मैं क्या चलो तेरा टकोरा हो गया आप ही पी के मैं फिर कुटन लग पे एने हथा बंदे पता नहीं मियां वाली तो सदे गल तो मारी मैं अंदर बंद करके बारो कुंडी ला लगा मैं बारो ना ला मैं अंदरों ला लेना इस गल का गुस्सा चढ़ी पंजा सत्ता ने मैनू मारिया हूं पता नहीं मेरा कोट पुट्ठा के मेरी धौन घूम गई समझ नहीं आ रही हुआ क्या था होना की है जो भी इस घर चाहना थाने का चक्कर जरूर लाना पैदा लेकिन इसमें हमारा क्या कसूर है कोई एक कसूर हो दसा तुम मेरे निकाह के जनाजे पढ़ने वाला सद लिया मेरी जवानी मैनू हाथ दे के रोक ही नहीं थे उन्हें दफना के ही जाना सी पैसे नहीं दिते दफना के किथे जाना सी मैं आज तेरा ही निकाह करावांगा इसे किधर मैं तो तेरे वलीमे ते आया वलीमे ते आया जी गिट कद नहीं ले आया क्योंकि तेरी तैयारी कोई और होंगी तेरा शेड्यूल कोई होर ही होंगे अल्लाह माफी दे गिटकां कादे लई लियानी तू भरा लगना मैं वलीमे ते आया वाकई वलीमे ते आया हाँ फिर मेरे सजादे तू परसों आई सी परसों वलीमा करना चलो ठीक है परसों हाँ इत्थे के मसीते मैं भी अल्लाह साफा नहीं मोड़ना जिच दाने बन के ले जांदा है काका खत्म तो बाद शॉपर ही लभदा फिरेगा इन्नी देर बच्चे ने सारे खा जाने सुहेल क्या हो गया है तुम्हें मैं नहीं बोल दी क्यों मेरे च मेरा यार बोल दा सुहेल तरह सोचो तो आज हमारी शादी हुई है ऐसे गल की तकलीफ होने ही क्यों आज ही ब्याह है आज ही पुलसा पै गई है बंदा पिछे परसों फाड़ लेना परसों कहना छुट्टी मैं एक गल की समझ नहीं आई क्या एनी पुलिस पंजाबी फिल्म च नहीं आती जिनी इस घर च आती पता नहीं घर की पिछो थाने वालों कंध पाड़ी है ना घर सफाई इधर नु डर पैंदा सुहेल फिर वही बात अच्छा ये बताओ तुम मेरे साथ शादी करके खुश हो ना ये क्या ये तो मतलब है कि खुश तो मैं बड़ा पर ना मैं शाबाश आन जाने वाला घर है अंदर हो जाओ मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा तुम्हें ये टीवी तेरा मोड़ चुके बजा की हो रहा है सच्चा सुहेल तुम यहाँ आओ ना मेरे पास मैं हाँ अरे लो जी मैं बहादुर सौरे जाता बड़ी हरी वेखे पहुंचे पहली हरी वेखे नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे इसी में तेरे हाँ ये आओ मुंडाई जिन्हें थाने दहशतगर्द कह के मैंने छित्र पाए हे
शादी कर लेनी चाहिए ना। क्या हो रहा है यहाँ? वही जो हो रहा है वहाँ। मेरा कंगा है कहाँ? मैं पूछती हूँ कौन है ये लड़की? ये तो मेरी मोहब्बत है, कौन है ये? साथ लड़का भी कहो। लड़का और तू एस थू। पहले ये बताओ ये यहाँ आई क्यों है? ये तो मुझसे शादी करने आई है, ये यहाँ क्यों आया है? मैं अंदर प्रेशर कुकर में रबड़ बदलना आया। मैं कहती हूँ निकल जाओ यहाँ से कमीनी। हैं? अच्छा अच्छा, मैं कहता हूँ निकल जाओ यहाँ से कुत्ते। अच्छा जी गुड। मैनू कुत्ता क्या है? जान से मार दूंगी। कोई बात नहीं, मैं इसे जान से मार दूंगा। क्यों मैं तेरा सिरा मैंने बचाया। क्या बकवास है ये? ठीक कह रहा हूँ मैं। ये तुम्हारा बाप है। वो भी मेरा बाप था जिसे मैंने अपने हाथों मार डाला। अब्दुल्ला नु इन्हें मारे ही। अरे जालिम, तूने अपने बाप को मार डाला। मार डाला। तुझे भी मार दूंगा मैं। कूड़ा सरदा मजा ले। मार तुम मेरी जिंदगी में क्यों आई? मैं बताता हूँ तुझे। तलाक लैन लगे इन्हें जोर नहीं लगता, कागज नर फट भी जाता। मेरी तलाक दे दे। इन्हें वर्गा पार्टनर तलाक ला। मैं बेवा होना अच्छा नहीं है। देवदा बुआ खोल, मैं अंदर आना चाहूंगी। बट्टी बट्टी खुदा के लिए सोहेल को बचा लो, एहसान उसे जान से मार देगा। मैं कर बना रहा हूँ, बट्टी को पिस्तौल ला दियो। चलो सची मुझे तेरी पानी वाली पिस्तौल ला दियो। वो पगला मरे इन्हें तो ठंडा नहीं हो जाएगा। खान खान तुम ही आगे जाओ ना। नहीं नहीं बीबी जी, मैंने कोई गल ना कहा। मैं एहसान बाबू दिया कच कौन उतरे वे के सुहेल साहब अंटी ने तो चले उते काल कठे हुए। एहसान बाबू थले पिस्तौल लैके खड़ोता है जिवें बिल्ली दरख्त चढ़ जाए थले कुत्ता नहीं छाला मारन दिया। आंटी प्लीज अंकल को बचा लीजिए, आंटी ने पे चढ़कर पुलिस पुलिस चिल्ला रहे हैं। सुहेल कहीं हम लेट ना हो जाए। आज पट्टी को ना पिस्तौल एक और कतल हो जाना। पंडी तुम तो गन मैन हो ना, तुम तो उन्हें बचाओ जाके। मैं कह रहा गन मैन है ना, मेरे को गन है ना, मेरे को मैन समझदा। काश है बंदा इलाका गैर चुंदा ते अजराम खान दिया पुर्तियां वेखनियां सन। अजराम खान तुम तो बहादुर हो ना, तुम तो बचाओ ने जाके। ओए बहादुर अपने गैर इलाके दिया इथे क्लीन वेच जंदा सोरे 15,000 दा दसदा 2,500 दा दे जाएगा। जख्मी पूछ रहा हूँ, तुम लोग लाश दिखा रहे हो मुझे। बस दुआ करो सांसे चलती हो, आगे मैं खुद तुम झाल लूंगा। और साथ कमरिया साथ अल्लाह भी नहीं आचिया जिंदगी से जिन्ने फैर पट्टी नू वजी है तो वार तो वार। बड़े फायर बजे ने बाटा दे। ना, अगर यहाँ कत्ल हो गया तो बहुत बुरा होगा। नहीं तो मैं सोच रहा हूँ कि तू पति तो भी आ जा। हिले कोई ना, हाथ से कर लो तो मुंह मेरा कर लो। कतल तो मैं हो गया ताड़े थ्रू, वो तो मेरी अपनी मजबूती खून निकल गया। अंकल को बचा लीजिए एहसान के हाथों। हमने कतल हमने बचा लो हमने थाना हमने तफ्तीश कभी प्यार मोहब्बत की गल कर लगा नहीं सुनी तू तेन शेर सारा प्यार दा बत्ती बलदी है स्टेशन ते तेरी मेरी बिगड़ गई साबण की गाची तो। मैं आपको सही कह रही हूँ, कतल होने वाला है। कतल होने वो बंदा कितने आ
ਜਿਹਨੇ ਥਾਣੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਤਲ ਹੋਣਾ ਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਣਾ ਇਹ ਜਮਾ ਲੋ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਲੋ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲੋ ਚਲ ਕਬਜੇ ਲਵਾ ਲੋ ਇਹ ਜਮਾ ਲੋ ਟੀਕੇ ਲਵਾ ਲੋ ਟੀਕੇ ਲਵਾ ਲੋ ਭਾਵੇਂ ਥੱਲੇ ਲਵਾ ਲੋ जपान च न्योले फड़न वाला सर जी भी झाड़ दो हला तू कतल होने लगा सा मैनु सर जी सिर्फ एक गल दस दो तानू भर्ती इस घर आले ने कराया है इस बेकसूर को पुलिस वालों ने इतना मारा इतना मारा कि बेचारे की तौबा तौबा हो गई। बेकसूर मारा पुलिस वाले ने तो ध्यान करना गुल्ली डंडे में एम्पायर है हला इस बेकसूर को पुलिस वालों ने इतना मारा इसकी तबीयत खराब हो गई बेचारे की खून निकला है इधरों भी मारे इधरों भी मारे बंदा एक साइड मार देगा कसूर की तो होना ता मारे पुलिस वाले को कसूर की तरह ता मारे पुलिस वाले पुलिस वाले मार देने कसूर तो उसे पागल है अल्लाह की दया मेरी जुबनी जी सर और तू पागल है नहीं सर इन पागल करी चौके पागल करी चौके मारने जा रही गल्लां बड़ियां कर अब बताओ बात क्या अब मैं आपको क्या बताऊं इंस्पेक्टर साहब कुछ दसेंगे तो पता लगेगा ये शख्स ये सूट पे बैठा हुआ है ये हमारे घर आता जाता था अच्छा हम बहन भाई इसको प्यार से मामू मामू कहते थे कहते थे सर जी बैठो जरा गल लम्मी है एडी लम्मी गल है मोटर ने तो पा ली गड्डी है मोटर में कितने जनाब तुम तो फ्लाइंग टॉर्च नहीं बढ़न देने टाउन च मारा टाउन है ही नहीं मारा किसी को मारो जी अगे भी उन्हें अपने नसीब लभे तुसी अपने लभ लो सहेल 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 तेरे वर्गे मुंडे दा नाम मल्ले च हुंदा तोती तुहाडे वर्गे ही मल्ले च मशहूर हुंदे ओ बंदे जिहड़ा घुम के गेंद फड़दा मारा अगे बंदा अगे दस्सदा अगे दस्सदा हम दोनों बहन भाई इसको प्यार से मामू मामू कहते थे कहते थे फिर अचानक मेरे पापा का इंतकाल हो गया ते इंतकाल अचानक ही हुंदे और बंदा शेड्यूल ना मरदा ही बढ़िया करना मुंह वेगे में चाकू बंद किया हूं तुम्हारा मुंह भी रिछ दे कसोनर का जी मां दा अगो दस मिनट अगो दस जरा जब मेरे पापा का इंतकाल हुआ हां कई दिन ये साहब हमारे घर चले आए आए फिर उस दिन मैं इसे नहीं छोड़ूंगा ना मैं कहता हूं आप सामने एक तेरी चाहत है और एक मेरी चाहत है पर होगा वही जो मेरी चाहत है मत मारो अब्दुल्ला को अब्दुल्ला मेरी चाहत है नास क्या हो गया अब्दुल्ला अब्दुल्ला तुम बिल्कुल ठीक हो मुझे क्या हुआ है हाँ अब्दुल्ला मैंने बहुत भयानक ख्वाब देखा क्या देखा मैंने देखा कि तुम मैं मर गया पागल हो गए बच्चे कहाँ हैं अरे क्या तुम्हारी मां को रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग